<laughs> चलो भाई शुरुआत करते हैं तो भाई ये मेरी पहली क्लास है नीट एलकेमी में और आज हम थर्मल फिजिक्स के पी वाई की करने वाले हैं तो हम शुरुआत करने वाले हैं हीट ट्रांसफर चैप्टर से आई होप मेरी वॉइस वगैरह सभी को आ रही होगी है ना आ रही है ना चलो सही है तो तो अपन भाई अभी दो घंटे का सेशन है, है ना तो अपन इसमें क्या क्या करने वाले हैं नीट के एम्स के और समय बचेगा तो जेमैन के भी पी वाई क्यूज करेंगे क्योंकि ये सारे के सारे पी क्यू और सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं ठीक है तो हम हीट ट्रांसफर से स्टार्टिंग करने वाले लेट्स बिगिन और अभी तक वैसे जो बच्चे यहाँ पे नए हैं जिन्होंने मुझे अकेडमी पर फॉलो नहीं कराया तो मेरी बहुत सारी फ्री लाइव क्लासेस होती रहती है अन अकेडमी पर यू कैन फॉलो मी है ना तो मगर अन अकेडमी पे जाओगे यू विल फाइंड मी ऑन द टॉप सो यू कैन फॉलो मी इसी के साथ देख लो भाई है ना जो बच्चे चाहते हैं ना फोर्टी फाइव डेज में अराउंड फोर्टी फाइव डेज बच्चे पूरी फिजिक्स करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं बहुत ही कम प्राइस में है ना जनरली ये कोर्स लास्ट ईयर इसकी प्राइस टेन थाउजेंड थी है ना एंड चार चार मेरे स्टूडेंट्स लास्ट ईयर नहीं ट्वेंटी ट्वेंटी टू में आउट ऑफ स्कोर करे थे और अराउंड स्टूडेंट्स ने प्लस स्कोर करा था फिजिक्स में अराउंडी टू अगर तुम भी करना चाहते हो यू कैन ज्वाइन दिस क्रैश कोर्स ये बीस मार्च से स्टार्ट हो रहा है इसका नाम है ब्रह्मास्त्र फिजिक्स क्रैश कोर्स है ना एंड दिस इज जस्ट फॉर फोर नाइनटी नाइन और इसमें भी तुम्हें ट्वेंटी परसेंट ऑफ मिल जाएगा वनस ई यूज द रेफरल कोड फिजिक्स लाइव है ना ठीक है तो चलो यार स्टार्ट करते हैं ना <coughs> तो हीट ट्रांसफर से स्टार्ट करें सबसे पहले अपन कंडक्शन और हीट करंट के क्वेश्चन करेंगे है ना तो अपना भाई हीट करंट का फॉर्मूला क्या होता है हीट करंट अपन कैसे क्या, क्या लिखते हैं हीट करंट आता है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण दो रॉड्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय उनका थर्मल रेजिस्टेंस थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है रॉड की लेंथ बाय थर्मल कंडक्टिविटी के इनटू एरिया ए है ना मतलब बस मैं हल्का सा फॉर्मूला बता रहा हूं बाकी ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सीरीज है जहां पे हम पी वाई के यूज करने वाले हैं तो ये अज्यूम है ये मान के चल रहे हैं कि तुम्हें ये चीजें पहले से आती है ना बाकी मैं हल्का सा ब्रीफ तुम्हें बता दे रहा हूँ क्वेश्चन करने से पहले है ना तो अपना हीट को लेते हैं अपन डी क्यू बाई डी टी है ना रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट टाइम और ये बन जाता है तुम्हारा थर्मल कंडक्टिविटी इज के ए टी वन माइनस टी टू विच इज द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द रॉड्स डिवाइडेड बाय तुम्हारा लेंथ ठीक है ये तुम्हारा होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के एज ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी चलो स्टार्ट करते हैं देखो नीट के लगभग सारे ही क्वेश्चन आसान होते हैं ना कुछ ही क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आते हैं मैक्सिमम आसान होते हैं जैसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है दो हजार नौ का तो डी क्यू बाई डी टी पूछ रहा है है ना तो फटाफट कमेंट में जवाब बताओ है ना और फिर अपन ये आसान आसान वाले क्वेश्चन कम करेंगे जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए अपन वो ज्यादा करने वाले है ना पर ठीक अभी शुरुआत कर रहे हैं तो फटाख से बता दो इसका आंसर क्या होने वाला है तुम लोगों को आवाज वगैरह आ रही नहीं आ रही मेरी बताओ और भाई जितने भी लोग आ गए वीडियो को लाइव कर देना वीडियो को लाइक वही कर देना है ना जो भी होता है यूट्यूब वाला ठीक है मैं खुद का वीडियो लाइक नहीं कर पा रहा हूँ भाई उसमें लगा लॉग इन करना पड़ेगा पहले

इसीलिए मैंने जो क्रैश कोर्स है वो अन अकेडमी पर लॉन्च करा है ताकि अपन पोल्स कर पाए ना वहाँ पर तो मैं रेगुलर मैं स्टडी मटेरियल दूंगा रैंक बूस्टर मटेरियल है ना जिससे तुम भी अपना फिजिक्स का स्कोर बूस्ट कर सकते हो है ना जो फिजिक्स कॉलेज का है ना जो खुद मेरी फैकल्टीज ने डिज़ाइन करा हुआ है है ना तो मैं उनका प्रॉपर रिटर्न सॉल्यूशन मिलेगा डी मिलेंगे उनके वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे मॉक टेस्ट होंगे है ना हर रोज मैं दो घंटे रिविजन कराऊंगा उसके बाद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सीरीज चलेगी तुम्हारी डेढ़ घंटे है ना तो मतलब फोर्टी डेज में फिजिक्स का कम्प्लीट है ना जो बेस्ट मिल सकता है तुम्हें इंडिया में कर लिया है चलो ना तो ये देखो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है पर इसमें तुम्हें तो हल्का सा कंफ्यूज करा गया है डमी डेटा देखे देखो नीट एग्जाम के बारे में मैंने यही कहा है कि डमी डेटा आ जाता है और डमी डेटा क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट बना देता है जैसे स्पेसिफिक हीट दे दी अब तुम कंफ्यूज हो गए यार स्पेसिफिक हीट को कैसे यूज करें तो अब उसको यूज करना है या नहीं करना ये तुम तो तभी तो पता कर सकते हो जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आज देखते हैं यहाँ पे <coughs> उन्होंने बोला रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट सेम है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट अपना होता क्या है वॉट इज आर डी क्यू बाई डी टी होता क्या है हमारा के ए इन टू टी वन माइनस टी टू बाई एल इन्होंने बोल दिया यार टेम्परेचर डिफरेंस सेम है देखो ना टी वन टी टू दोनों रेट्स के क्रोस सेम टेम्परेचर डिफरेंस है लेंथ सेम है तो मतलब रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट के और ए पे डिपेंड कर रही है तो अगर रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट सेम है मतलब के और ए भी सेम है तो के वन ए वन इक्वल टू के टू ए टू स्पेस भी हिट को तो बात ही नहीं आएगी ना यार स्पेसिफिक हीट की बात तब आती है जब टेम्परेचर की कहानी होती है वो ऐसे बोलते हैं कि रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर है में दोनों में तो हम यूज करते डी क्यूजिकल टू एम एस डी टी है ना पर यहां पे वो कहानी ही नहीं है चलो सिलिंड्रिकल मेटलिक रॉड इन थर्मल कॉन्टेक्ट विद टू रिजर्वयर्स ऑफ हीट एट इट्स टू एंड कंडक्ट एन अमाउंट ऑफ हीट क्यूब इन टाइम टी ठीक है नॉर्मल रखा है द मेटलिक रॉड इज मेल्टेड एंड द मटेरियल इज फॉर्म्ड इन टू अर रोड ऑफ हाफ द रेडियस ऑफ द ऑरिजिनल रोड है ना हाफ द रेडियस ऑफ द ऑरिजिनल रोड तो इस तरह के क्वेश्चन करेंट इलेक्ट्रिसिटी में भी अपन करते ही है ना है ना तो बिल्कुल को सिमिलर क्वेश्चन है वॉट इज द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड बाय द न्यू रॉड वेन प्लेस इन थर्मल कॉन्टेक्ट विद द टू रिजर्वअर्स सेम रिजर्वर है ना तो टेम्परेचर डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा सेम यहाँ पे है ना पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा सेम है तुम्हें बस देखना है कि रॉड का रिजिस्टेंस किस तरह से वेरी कराए और तुम्हारा आंसर आ जाएगा रॉड का रेजिस्टेंस किस तरह से वेरी है ये पता करना है बस तुम्हें करो भी फटाख से इस तरह के क्वेश्चन में वैसे पेन भी नहीं उठाना होता ना अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट थोड़े अच्छे क्लियर तुम दिमाग में ही कर सकते हो यार नीट के 45 में से तुम्हारे अराउंड 35 क्वेश्चन बिना पेन उठाए सॉल्व होते हैं है ना किसी भी साल का पेपर लेके आ जाओ तुम मैंने तो दिखाया भी जब अपन करते हैं थर्टी फाइव क्वेश्चन में फिजिक्स के थर्टी फाइव क्वेश्चन लगभग है ना फोर्टी फाइव में थर्टी फाइव क्वेश्चन में पेन नहीं उठाना पड़ा था देख के मारे मतलब यू डू दम लाइक केमिस्ट्री या बायो जो भी है देखते पढ़ा लिखा पढ़ा ठोका पढ़ा ठोका ऐसे ऐसे करते हैं भाई हाँ भाई कमेंट में जवाब दे दो सर क्वेश्चन प्रैक्टिस अन अकेडमी पर होगी या, या यूट्यूब पे बेटा दोनों पे कराने वाला मैं ना अन अकेडमी का वो फोन नाइनटी नाइन वाला भाई सब ले लेना हैं पांच सौ रुपये का ही है उसमें भी 20 परसेंट डिस्काउंट करके चार सौ रुपया पढ़ने वाला है तो वहां पे तो बहुत ही अच्छे तरीके से होगा बाकी मैं यूट्यूब पे भी कर पाऊंगा तुम्हें तो है ना पर अकेडमी वाले पे प्रॉपर रिवीजन होगा हर रोज एक चैप्टर का पूरा कंप्लीट रिवीजन पॉइंट्स दे दूंगा मैं तुमको सारे के सारे जितने भी फिजिक्स वाले पॉइंट्स हैं पता ही है भाई फिजिक्स वाले पॉइंट से ज्यादा पावरफुल कोई चीज नहीं है ना है ना तभी एक सिंगल बैच से मैंने लास्ट ईयर इंडिया का बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करा एक सिंगल बैच से फोर स्टूडेंट्स वन एटी आउट ऑफ वन एटी अराउंड फोर्टी फाइव स्टूडेंट वन सिक्सटी प्लस फ्रॉम वन सिंगल बैच हो गया चलो आ जाओ तो देखो मैं यहां पे क्या होता है तुम्हारा देखो हीट वही तो पूछा हीट करंट ही तो पूछा रेट ऑफ फ्लो हीट तो हीट करंट होता है टेम्परेचर ड्रॉप बाय रेजिस्टेंस तो टेंचर ड्रॉप तो सेम रखा है उन्होंने रेजिस्टेंस चेंज हुआ है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मुला याद करो करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी अपन पढ़ते थे अपन लिख सकते हैं एल वाई के ए पर इन्होंने यहां पे एरिया चेंज कर रहे हैं रेडियस चेंज करना मतलब एरिया चेंज करा है तो हमको लेंथ को गायब करना है तो ऊपर नीचे एरिया मल्टीप्लाई कर लो तो अब रेजिस्टेंस क्या हो गया वॉल्यूम बाय के इंटू एरिया का स्क्वायर तो वॉल्यूम बाय के इंटू पाई आर स्क्वायर पाई स्क्वायर रजिस्टेंस पावर रेडियस पावर फोर मैंने ऐसा क्यों करा क्योंकि जब तुमने रॉड को मेल्ट करके डिफरेंट साइज की रॉड क्रिएट करी तो वॉल्यूम तो सेम है ना भाई बना मास सेम है डेंसिटी सेम है तो वॉल्यूम तो सेम रहेगी ना उसकी तो लेंथ वाला फैक्टर अपने आप कट गया वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहां से निकल के आ रहा है थर्मल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस पावर फोर और रेडियस को तुमने क्या करा है बेटा रेडियस को तुमने क्या कर दिया है रेडियस को तुमने डबल कर दिया है है ना रेडियस क्या नहीं रेडियस को हाफ करा है हाफ द रेडियस तो रेडियस को हाफ करोगे तो थर्मल रजिस्टेंस हाफ पावर फॉर वन बाई सिक्सटीन तो ये सोलह टाइम्स हो जाएगा थर्मल रेजिस्टेंस तुम्हारा रजिस्टेंस टाइम्स हो जाएगा और थर्मल रेजिस्टेंस टाइम्स टाइम्स हो गया तो हीट तुम्हारी कम हो जाएगी मतलब पहले जितनी हीट जा रही थी क्योंकि इनवर्स रिलेशन है देखो ना इनवर्स रिलेशन है है ना रेडियस तुम्हारी आधी हुई थर्मल रेजिस्टेंस रजिस्टेंस टाइम्स हो गया और ये सिक्सटीन टाइम्स हुआ तो हीट करेंट तुम्हारा सिक्सटीन टाइम्स कम हो गया आई थिंक क्लियर है ना आ जाओ भाई आ जाओ बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है इफ़ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रॉड इज फोर देन इट्स थर्मल रजिस्टिविटी इज सीधा सीधा फॉर्मूला तो थर्मल रजिस्टिविटी क्या होता है तुम्हारा रजिस्टिटी इज वन बाई कंडक्टिविटी ये सब पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी से होता है देखो हीट का हीट ट्रांसफर का जो कंडक्शन वाला पार्ट है वो <coughs> पूरा ही करंट इलेक्ट्रिसिटी है और करंट इलेक्ट्रिसिटी आसान है सबको आता है तो वो आता है तो ये भी आता ही है तो आंसर इज पॉइंट टू फाइव करो भाई है ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से बिना पेन उठाई किया जा सकता है पढ़ो भाई क्या बोल रहे हैं द टू एंड्स ऑफ ए मेटल रॉड आर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस एंड वन हंड्रेड टेन डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ हीट फ्लो इन द रॉड इज फाउंड टू बी फोर जूल पर सेकेंड इफ द एंड आर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस एंड टू हंड्रेड टेन डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ हीट फ्लो विल बी बताओ क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ जाता है दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ जाते दिमाग में बताओ सर आप ओनली प्लस में पढ़ाते हैं क्या बेटा प्लस पे अब तो मैं पे भी पढ़ा दूंगा बोलोगे तो ना? है है ना ना पर वो प्लस वाली सीरीज में रिकमेंड करूंगा क्योंकि यार देखो उसकी प्राइस मैंने नेग्लिजेबल रखवा दी है वो इसलिए रखवाई वैसे फ्री करवा देते पांच सौ भी इसलिए रखवाइए ताकि है ना सिर्फ सीरियस लोग आए पांच भी नहीं चार सौ का पड़ेगा तुम्हें तो रिकमेंड तो मैं वही वाला करूंगा बाकी यूट्यूब पर भी मैं कराऊंगा ना यूट्यूब पर भी कराने वाला हूँ पर यूट्यूब पर रिवीजन मतलब न्यूमेरिकल वाले करवाऊंगा रिवीजन वाला नहीं होगा प्लस पर सब कुछ मिलेगा मॉक टेस्ट डेली क्वेश्चन उनके सोल्यूशन वॉल्यूशन मतलब पूरा तुम्हारा हमारे गाइडेंस परिपरेशन होगा पूरा द्वारा सो प्लस इज हाईली रिकमेंडेड चार सौ रुपये इज ऑलमोस्ट एवरी वन केन अफोर्ड है ना ये तुम्हारे जीवन के बेस्ट चार सौ रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा बेस्ट जो तुमने सबसे अच्छा चार सौ रुपये इन्वेस्ट कराए क्योंकि नीट की सारी कहानी फिजिक्स पर ही खेली जाती है नीट की सारी कहानी फिजिक्स पर ही खेली जाती है केमिस्ट्री बायो तो सभी करके आते हैं यार जो फिजिक्स करता है उसकी रैंक आती है हाँ हो गया क्वेश्चन तो भाई इसमें कुछ है ही नहीं है ना यार देखो ना सीधा सीधा है तुम्हारा रेट ऑफ फ्लो हीट होता क्या है रेट ऑफ फ्लो हीट क्या होता है के ए टी वन माइनस टी टू ना यार ये टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है 100 और 110 का डिफरेंस भी 10 है 10 डिग्री सेल्सियस और 200 और 210 का भी डिफरेंस 10 डिग्री सेल्सियस सो इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस तो टेम्परेचर डिफरेंस पहले और अभी दोनों में सेम है तो रेट ऑफ फ्लो हीट भी सेम ही रहेगा अगर टेम्परेचर डिफरेंस सेम है तो रेट ऑफ फ्लो हीट भी सेम रहने वाला है हम्म hmm. चलो विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कुलर रॉड्स गिवन रेडियस आर एंड लेंथ दल ईच मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड हुज एंड्स आर एट द सेम टेम्परेचर विल कंडक्ट मोस्ट हीट बता दो भाई तो क्या क्या सेम दे दिया भाई टेम्परेचर डिफरेंस सेम दे दिया है सेम टेम्परेचर है ना <coughs> और क्या दे रखा है तुम्हें ईच मेड ऑफ सेम मटेरियल सेम मटेरियल मतलब सेम के सेम टी वन माइनस सी टू तो रेडियस और लेंथ के टर्म में तुम्हें, तुम्हें बताना है कौन सबसे ज्यादा हीट का कंडक्शन करेगा किसका रेट ऑफ फ्लो हीट सबसे ज्यादा होगा करो देखो सारे क्वेश्चन फॉर्मुला बेस्ड दिए हैं बस तुम्हें फॉर्मूला आता है तुम फटाफट भट करते जाओ सब बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है बताओ भाई तीन दोस्त को सजेस्ट कर दिया वेरी गुड तो देखो कैसे करेंगे रेट ऑफ हीट तुम्हारा होता गया व्हाट इज डी क्यू बाई डी टी के इनटू थर्मल कंडक्ट एरिया 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 पाई पाईआर स्क्वायर इंटू टेम्परेचर डिफरेंस वन माइनस टी टू लेंथ सो वी कैन सी इट इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर बाय लेंथ तो अगर तुम्हें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ज्यादा चाहिए तो रेडियस ज्यादा चाहिए और लेंथ कम चाहिए तो देखो सबसे ज्यादा रेडियस और सबसे कम लेंथ इसमें बी वाले में रेडियस टू आर नॉट है और लेंथ सबसे कम है यही वाला है क्लियर आंसर इज क्लियर द आंसर इज बी देख लो करो भाई रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू ए सिलेंडर अब ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है अपना आगे बढ़ दे ना कुछ नए तरीके देखते हैं ये कर लो है ना इस तरह के क्वेश्चन अपने क्लास में भी करिए ना करो ऑन ए कोल्ड मॉर्निंग अ मेटल सरफेस विल फील कोल्डर टू टच देन अ वुडन सरफेस बिकॉज है ना है ना ठंडी में जैसे मान लो सुबह ऊपर चले जाओ तुम तो ठंडी होती है ना ठंडियाँ सुबह ऊपर चले जाओ तुम तो छत पे और भाई वहाँ पर भाई एक लोहे की चेयर रखी है एक लकड़ी की चेयर रखी है मान लो तो लोहे की चेयर ज़्यादा ठंडी लगती है उस पर बैठते बिल्कुल हालत खराब हो जाती है ना तो ऐसा क्यों है क्या रीज़न है इसका क्या पॉसिबिलिटी है हम्म किससे रिलेशन है इसका स्पेसिफिक हीट से थर्मल कंडक्टिविटी से या फिर टेम्परेचर से क्या कहानी है यस yes. इसका रीजन ये नहीं है कि टेम्परेचर बता मेटल और इसका अलग अलग है भाई टेम्परेचर मेटल सरफेस का भी टी होगा और वुडन का भी टी होगा दोनों का टेम्परेचर तुम्हारा सराउंडिंग के बराबर है जब दोनों का टेम्परेचर बराबर है तो फिर भाई मेटल की चेयर ठंडी क्यों लगती है ज़्यादा क्योंकि उसका रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट ज़्यादा है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है मेटल हैज़ हाई थर्मल कंडक्टिविटी क्या भाई मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है इसलिए भी जो तुम्हें ज्यादा ठंडी लग रही है रीजन ये नहीं है कि उसकी स्पेसिफिक हीट लो है ये वाली बात भी सही है मेटल की स्पेसिफिक हीट लो होती है दिस इज द राइट स्टेटमेंट पर उसका इससे रिलेशन नहीं है उससे तो ये रिलेशन है कि मेटल का टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाएगा और मेटल का टेम्परेचर जल्दी कम हो जाएगा थोड़ी सी हीट दोगे मेटल गर्म हो जाएगा थोड़ी सी भी हीट निकालोगे मेटल ठंडा हो जाएगा क्योंकि भी हीट लो है पर अभी जो क्वेश्चन पूछा है कि वो ज्यादा ठंडा हमें क्यों फील होता है उसका रीजन है कि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है वो ज्यादा हाई रेट से हीट को कंडक्ट करता है, है ना ठीक है चलो भाई अच्छी बात है वुलन क्लोथ कीप द बॉडी वॉर्म बिकॉज वुल डिक्रीज द टेम्परेचर इंक्रीज द टेम्परेचर इज अ बैड कंडक्टर ऑल ऑफ दीज बताओ जल्दी से ये तो नर्सरी का बच्चा कर दे हाँ भाई ऊनी कपड़े जब हम पहनते हैं ऊन की स्वेटर पहनते हैं तो सर्दी लगना कम हो जाती है क्यों कम हो जाती है सर्दी कम क्यों लगने लगती है क्रैश कोर्स में थेरी भी कराएंगे हाँ बेटा रोज दो घंटे की थेरी होगी क्रैश कोर्स में उसके बाद डेढ़ घंटे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस एवरीडे अनअकैडमी प्लस पे है ना रोज रैंक बूस्टर मटेरियल मिलेगा विथ सोल्यूशन्स सब कुछ मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग ये समाज सेवा के हिसाब से ही कराया भाई लॉन्च समाज सेवा के हिसाब से ही लॉन्च कराया उसे उस कोर्स को फोर नाइन नाइन वाला वो समाज सेवा ही है एक्चुअल में कि भाई जो बच्चे प्लस पे भाई पूरे साल मुझसे अचीवर में नहीं पढ़ पाते है ना तो एटलीस्ट उस क्रैश कोर्स में तो पढ़ ही सकते हैं सी सी इज द राइट आंसर का सी इज़ द राइट आंसर है ना क्योंकि यार ऐसा नहीं है कि वो टेम्परेचर बड़ा घटा देता है बोन यार क्या होता है जब तुमने स्वेटर पहन लिया ना ऊनी कपड़ा पहन लिया तो वो क्या करता है इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट तुम्हारी बॉडी का इंटरनल मैकेनिज्म है जो तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन रखता है ना तुम्हारी जो बायोलॉजी वगैरह जो भी खून वून फ्लो कर रहा है जो भी एनर्जी वेनर्जी निकल रही है तुम्हारे शरीर के अंदर तो उसका इंटरनल मैकेनिज्म है विच हीट्स अप योर बॉडी विच हीट्स अपर कुल साउंड डिपेंडिंग ऑन द सराउंडिंग टेम्परेचर कि जो तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रखेगा अब बाहर मान लो जीरो डिग्री सेल्सियस टेमपेचर हो रहा है ठंडी पड़ रही है बिल्कुल है ना कड़ाके वाली ठंडी पड़ रही है ना बिल्कुल एकदम तो वो क्या करता है जब तुमने ऊनी कपड़ा पहन लिया तो वो तुम्हारे हीट की तुम्हारे तुम्हारा जो शरीर जो गर्मी गर्मी जनरेट कर रहा है हीट को जनरेट कर रहा है उसको बाहर नहीं जाने देता ट्रैप कर लेता है ख़त्म तुम्हारी हीट बाहर नहीं जा रही तो ट्रैप हो गया एट ए कॉमन टेम्परेचर अ ब्लैक ब्लॉक ऑफ वुड एट ए कॉमन टेम्परेचर ए ब्लॉक ब्लॉक ऑफ वुड एंड ए ब्लॉक ऑफ मेटल फील इक्वली तो हो गया अपना हाँ <coughs> ये भी बता दो भाई असरशन रीजन इनके ऑप्शन तो सबको पता ही होता है असरसन रीजन के राइट ऑप्शन ए क्या होता है असरशन करेक्ट रीजन करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये ऑप्शन ए होता है आई थिंक इनके सबको पता है ए तो और बी ही सबसे ज़्यादा होते हैं। बी भी होता है राइट एक्सप्लेनेशन रॉन्ग एक्सप्लेनेशन ऑप्शन याद रखना सबको याद रहना चाहिए ऑप्शन सी क्या होता है सी क्या होता है assertion is right, reason is wrong. और डी क्या होता है बोथ assertion एंड रीजन आर रॉन्ग हाँ भाई क्लोथ्स कीप द बॉडी वॉर्म इन विंटर ये वाली बात तो बिल्कुल सही है एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट अभी तो अपन ने करा <laughs> अरे भाई इसका रीजन ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता ना ये गलत दिया आंसर ये आंसर गलत दिया गलत दिया आंसर गलत दिया, दिया आंसर सोचने दो रुक जाओ सोचने दो इसको सोचने दो देखो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही, सही है ये तो बिल्कुल सही है ये तो अपन पहन रहे हैं बचपन से है ना एयर इज अ बैड कंडक्टर भी ये स्टेटमेंट भी सही है है ना जैसे मेटल हीट को बहुत जल्दी कंडक्ट करते हैं एयर उतने से अच्छे से कंडक्ट नहीं करती है ना कन्वेक्शन वगैरह है वो अलग है पर कंडक्ट नहीं करती एयर इज नॉट ए गुड कंडक्टर कन्वेक्शन कर सकती है वो अब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है ना तो देखो जब तुम ऊनी कपड़ा पहनते हो वो तो उसने तुम्हारी बॉडी की हीट को ट्रैप कर लिया है ना हम्म वैसे ये सही है पता है बहुत सारी ऊनी कपड़ों में ना एयर भी बहुत सारी फिल्ड होती है देखो मैंने कहा ना सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग ए और बी होते हैं तुम्हारे सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग तुम्हारे ए और बी होते हैं है ना ए और बी ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं बाकी तो आसान होता है खेल है ना कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है है ना तो देखो होता क्या है वैसे यार ये चीज़ सही है ना इंडिया आजकल बताए तुम देखो कि जितनी सारी जैकेट वगैरह आती हैं बहुत सारी कॉटन की बन रही है पॉलिस्टर की बन रही है अलग अलग मटेरियल की बन रही है सो इट इज़ नॉट अबाउट वुल वो क्या करते हैं एयर ट्रैप कर लेते हैं वो बस एयर को बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं आजकल जो जैकेट्स बनती है जितनी ज्यादा तुम पहनते हो वो क्या कर लेते हैं तुम्हारे बॉडी तुम्हारे जो क्लोथ है बॉडी और जो जैकेट है उसके बीच की एयर को बाहर नहीं जाने दे रहे और एयर खुद बैड कंडक्टर है तो तुम्हारी बॉडी की हीट ट्रैप हो गई है ना सो दिस इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्योंकि गलत नहीं है सही है दिस इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना क्योंकि एयर खुद भी बैड कंडक्टर है दिस इज प्लेइंग ए मेजर रोल ये अपने आप में एक मेजर रोल प्ले कर रहा है ठीक है बाकी एयर भी कंफ्यूजिंग रहते हैं ना समझ में आ रही बात इंडिक बहुत सारे मटेरियल ऐसे बनते हैं जिनमें मैक्सिमम जगह उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है उनमें बहुत ज्यादा एयर ऑलरेडी भरी होती है बिल्कुल हल्की हल्की सी जैकेट आती है तुमने देखा होगा आज के जमाने में ना वो एयर फिल्ड होती है उनमें ना ठीक है तो बस वो इंसुलेटर का, का काम कर रही है मतलब पुराने जमाने का एक आइडिया था कि तुम्हें एयर को मतलब तुम्हें इंसुलेट करने के लिए मोटे कपड़े पहनने पड़ेंगे आजकल बिल्कुल पतले पतले कपड़े भी वाला काम कर देते हैं क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें करना क्या है तुम्हें एयर को ट्रैप कर लेना एयर खुद बैड कंडक्टर है अगर तुमने एयर को ट्रैप कर लिया तो तुम्हारी हीट बाहर नहीं जाएगी हाँ बुलंद रखा है उसमें भी ये 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 फैक्टर है ये भी फैक्टर है ना बात देखो थोड़ी तो सही है बुलंद क्लोज क्योंकि बुलंद क्लोज भी अब कई तरीके होते हैं ना जैके बुलंद क्लोज ऐसे भी होते हैं जिनमें बिल्कुल बहुत सारे मतलब समझ लो ना मतलब होल्स टाइप के से होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं तो हवा अंदर बाहर जा सकती है ठीक है यार मतलब है ना ठीक है अब इतना सोच के वो सामने वाले ने भी इतना सोच के नहीं बनाया क्वेश्चन अपन जितना सोच रहे हैं द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी सीधा सीधा के का यूनिट पूछ लिया है कर दो तो भाई जल्दी बता दो के का यूनिट क्या है Hmm. what इज यूनिट ओके रीजन के हिसाब से तो कॉटन के क्लोथ में गर्म नहीं, नहीं बैठा क्योंकि कॉटन के क्लोथ एयर को ट्रैप नहीं कर पाते पॉलिस्टर के क्लोथ जो चीजें एयर को ट्रैप कर सकती है ना तो जो विंटर क्लोथ बनते हैं वो बनाई इस तरह से जाते हैं कि एयर को ट्रैप कर सकें ठीक है तो वो डिपेंड करेगा हाउ दे आर वोवन अब देखो मैं टेक्सटाइल इंजीनियर नहीं तो इससे ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा ना बट हाँ कॉटन इसलिए फेमस होता है ताकि वो एयर को अंदर बाहर आने देते ना कॉटन के कपड़े पहने इसलिए जाते हैं है ना गर्मियों में सबसे ज़्यादा कॉटन को प्रेफर करा जाता है क्योंकि तुम्हारी हवा अंदर बाहर आ जा सके ना सो कॉटन डज नॉट ट्रैप द एयर चलो आ जाओ तो देखो क्या होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या हो जाएगा तुम्हारा आई एच इसे कर डिओ के ए टी बाय एल तो के का यूनिट कितना आ गया देखो ये हीट हीट करेंट है तुम्हारा तो ये तुम्हारा वॉट है ठीक है वॉट ये के है तुम्हारा एरिया इज़ मीटर स्क्वायर टेम्परेचर इज कैलवेन एंड लेंथ इज मीटर है ना तो के का यूनिट तुम्हारा आ गया वॉट ये नीचे जाएगा पर मीटर पर कैलवेन है ना ये के है ना ये ये कैलवेन है वॉट पर मीटर पर कैलवेन सो डीज आंसर अब कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स पर करते हैं ना सीरीज पैरल में अगर अपन रॉड्स को लगा देते हैं तो क्या होता है ना सीरीज में तुम्हारा फॉर्मूला होता है आर वन प्लस आर टू पैरल में तुम्हारा फॉर्मूला होता है पता ही तुम्हें है ना वन बाई आर वन है ना वन बाई आर एक करो और तुम्हें पता ही है तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत सारा डेटा कम होता है तो वो तुम्हें खुद से मानना होता है तो नीट एग्जाम की यही सबसे अच्छी बहुत सबसे बुरी बात है ना कि यहाँ पे तुम्हें है ना तो ये तो इसलिए अपन ये क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि तुम सीख पाओ कि एग्जाम में एक्चुअल में कैसे क्वेश्चन आते हैं और जब डेटा नहीं हो तो तुम्हें खुद से एजम्पन लेना है तुम्हें खुद से डेटा मानना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन में करेक्शन भी नहीं होता है देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन कंसिडर कंपाउंड स्लैब कंसिस्टिंग ऑफ टू डिफरेंट मटीरियल्स हैविंग इक्वल थिकनेस एंड थर्मल कंडक्टिविटी के ठीक है तो एरिया सेम बोल दिया उन्होंने पर थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग है दोनों की ठीक है भाई रिस्पेक्टिवली द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द स्लैब तो क्वेश्चन पूरा ही गलत है समझो पूरा ही गलत है क्यों क्योंकि पहले तो ये भी नहीं बताया कि उनको सीरीज में करा है या पैरेल में कराया समझो क्वेश्चन में ये भी नहीं बताया कि सीरीज में करा है या पैरल में कराए तो यहां पे अजम्शन जब कुछ भी नहीं बोला तुम सीरीज मान के चलोगे अगली चीज दोनों रोड की लेंथ की इंफॉर्मेशन नहीं दी उन्होंने ये तो बोल दिया कि दोनों रोड्स का एरिया सेम है ये बोल दिया कि दोनों रोड्स का एरिया सेम है पर लेंथ पे भी आंसर डिपेंड करता है ब्रो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज उनकी लेंथ का ये नहीं दिया तो अगला डेटा क्या माना हमने लेंथ सेम तो क्वेश्चन में डेटा मिसिंग है जिसके बिना क्वेश्चन को नहीं करा जाता तो तुम्हें खुद से मानना है अफकोर्स क्वेश्चन गलत है तुम यही नहीं बोल सकते सर हम इसी कैसे मान लो गलत है क्वेश्चन पर ठीक है ऐसे गलत क्वेश्चन आते हैं और तुम्हें सोचता है ना तो जब कुछ नहीं दिया तो सीरीज मान लो और लेंथ सेम मान लो क्योंकि लेंथ का डेटा नहीं है एरिया तो उन्होंने दे रखा है कंडक्टिविटी के ओ टू के दे रही है तो आप कर लो क्वेश्चन आप कर सकते हो याद रखना थर्मल कंडक्टिविटी का कभी भी कोई भी फॉर्मूला याद नहीं रखना ये वाली बात मैंने कई बार कही है कई गधे बच्चे होते हैं उसके फॉर्मूला याद कर रहे होते हैं थर्मल तुम्हें हमेशा रेजिस्टेंस निकालना है सबसे पहले अगर तुम चाहते हो हर क्वेश्चन सही हो अगर तुम चाहते हो दस में से दो तीन सही हो जाए सात गलत हो जाए फिर तुम्हारी मर्जी है फॉर्मूला रट लो अब अगर तुम चाहते हो कि थर्मल कंडक्टिविटी का हर क्वेश्चन सही हो तो हमेशा पहले हमको इक्वेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बाद ही हम इक्वेवलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालेंगे उससे पहले कभी नहीं निकालने वाले समझ में <coughs> आ जाओ करते हैं ना तो देखो अपन को इक्वे रेजिस्टेंस निकालना है इक्वे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आगे अगले पेज पे कर देता हूँ ठीक है इक्वे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा आर <coughs> वन प्लस आर टू ठीक है आर वन प्लस आर टू तो इक्वेविल तुम्हारा हो जाएगा आर वन हो जाएगा एल वाई के ए और दूसरे वाले का है एल वाई टू के राइट

तो अगर इसकी लेंथ एल वन है और इसकी लेंथ एल टू है तो जो हम इक्वेलेंट रॉड मान रहे हैं जो हम इक्वेलेंट रॉड मान रहे हैं यहाँ पे क्या हो गया अच्छा, भाई अच्छा बाई टी है। हम जो इक्वेलेंट रॉड मान रहे हैं उसकी लेंथ इन दोनों का सम होती है ये हमेशा बाई डिफॉल्ट मान के चलते हैं एल वन प्लस एल टू अगर इसकी लेंथ एलवन है इसकी एल टू है तो जो इक्वेबेलेंट रॉड होगी उसकी लेंथ इन दोनों का सम होगी एलवन प्लस एल टू तो एल प्लस एल टूएल्व हो गया तो एल इक्वेलेंट इज टूएल्थ के इक्वेलेंट हमको निकालना है ए इक्वेलेंट इनका एरिया होगा तो दोनों रोड का एरिया सेम है ना सीरीज में एरिया हमेशा सेम देंगे और पैरल में लेंथ हमेशा सेम देंगे ठीक है ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा क्यों करते हैं पर ऐसा आएगा तुम्हें हमेशा हर क्वेश्चन ऐसे डिजाइन किया गया अभी तक का थ्री एल बाई टू के ए काटापिटी कर लो और क्या है एल से एल गया ए से ए गया तो इक्विवेलेंट क्या क्यू रहा है टू नीचे चला जाएगा तुम्हारा के इक्विवेलेंट निकल के आ गया फोर के बाय थ्री देख लो भाई केक के विलेंट तुम्हारा आ गया फोर के बाय थ्री और जो बेटा जो बच्चे फॉर्मुलर रट के बैठे थे वो कह रहे हैं हमने तो ऐसे ही निकाल लिया बट अभी क्वेश्चन में हल्का सा चेंज कर दूंगा ना गलत होने लगेंगे ना तो जो तरीका बताया बस उसको दिमाग में ध्यान में रखो ना चीज़ें हर चीज़ बहुत सोच समझ के बोलिए तुम्हारा एक्सपीरियंस अभी तक इतना है तुमने इतने क्वेश्चन देखे इतने क्वेश्चन नहीं देखे तुमने अभी तो जो चीज़ें बता रहे बस उनको मान लेना है ज़्यादा सोचना नहीं है वरना फिर क्या होता है फाइनल एग्जाम के बाद पता चलता है अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या अच्छा ऐसा भी हो सकता है है ना तो जो बोला वैसा मान लेना है इनोवेशन नहीं करना फिजिक्स में ठीक है सर अभी डीसी पांडे करना कैसा रहेगा अरे बेटा अभी जो मटेरियल मैं दे रहा हूँ बस वो सॉल्व करें है ना ज्यादा मा सोच भाई मैंने और जो मेरी टीम ने जो मटेरियल डिज़ाइन करा वो एक्जैक्टली exactly तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से जो अभी पैटर्न चलो हिसाब से डिजाइन करा गया है हर चीज़ है ना तो जो रेंग बूस्टर मटेरियल मैं दे रहा हूँ बस उसको सॉल्व करो और कुछ नहीं करना अभी चलो करो वन कैलरी ऑफ हीट फ्लोइंग थ्रू अ रॉड ऑफ आयरन पर सेकेंड वेन द रॉड इज कट डाउन टू फोर पीसेस देन वॉट विल बी द हीट फ्लोइंग थ्रू ईच पीस पर सेकेंड हैविंग द सेम डिफरेंशियल टेम्परेचर वेरी इंपॉर्टेंट ये हाईलाइट करने वाली चीज़ है गुड क्वेश्चन सेम डिफरेंशियल टेम्परेचर अगर इसका मतलब नहीं समझे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा इसका मतलब नहीं समझे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा सोचो क्या मतलब इसका क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं ये सोचो करो भाई जल्दी करो हाँ भाई आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट ऑफ हियर हियर अरे बेटा बातें बंद कर दो क्वेश्चन ज़्यादा करो थोड़ा है ना बातें बंद करो मजे करने है कुछ लोग चलो मजे करो यार मजे करो यूट्यूब यूट्यूब पर कुछ भी कर सकते हो मजे मारने मजे मारो सही बात है हो गया डी टी वाई डी टी गलत बेटा रहमान गलत जिया रहमान गलत DX बाई डी टी गलत अरे यार डिफरेंशियल टेम्परेचर क्या होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट ग्रेडियंट क्या बताया था पोजीशन के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है डी टी डी एक्स जैसे ये तुम्हारी रॉड है अगर है ना तो अगर तुम यहां से एक्स गए क्योंकि जब तुम इधर से इधर जा रहे हो तो टेम्परेचर तुम्हारा ड्रॉप कर रहा है ना हंड्रेड से जीरो कर रहा है तो अगर तुम एक्स डिस्टेंस आगे गए एक्स से तो मान लो डीएक्स डिस्टेंस आगे गए तो टेम्परेचर में जो ड्रॉप हुआ तुम्हारा जो तुम्हारा टेम्परेचर मान लो यहां पे टेम्परेचर टी था यहां पे तुम्हारा टेम्परेचर हो गया टी प्लस डी टी एक्स डिस्टेंस में टेम्परेचर टी था और डीएक्स डिस्टेंस में टेम्परेचर है टी प्लस डी टी तो इसका मतलब है कि डी एक्स डिस्टेंस आगे बढ़ने पर कितना टेम्परेचर कम हुआ तो दिस इज डीटी बाय डीएक्स टेम्परेचर डिफरेंशियल टेम्परेचर एक से डिस्टेंस आगे बढ़ने पे कितना टेम्परेचर का चेंज हुआ डीटी बाय डीएक्स है ना ठीक है तो समझो अब इसमें हो क्या रहा है ना तो तुम्हारा हीट करंट होता क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन में माइनस के ए डीटी बाय डीएक्स तो सोचो अच्छा रॉड को तुमने चार पार्ट में काटा तो क्या उससे रॉड के मटेरियल चेंज हुआ नहीं तो क्या थर्मल कंडक्टिविटी चेंज हुई नहीं क्या एरिया चेंज हुआ रॉड को चार पार्ट में काटने से नहीं क्या डिफरेंशियल टेम्परेचर चेंज हुआ नहीं कुछ भी चेंज नहीं हुआ अरे भाई हो सकता है पूरी रॉड के अक्रॉस रोज हंड्रेड डिग्री का ड्रॉप हो तो वन फोर्थ रॉड के अंदर पच्चीस डिग्री का ड्रॉप है पर इसकी लेंथ भी तो वन फोर्थ हो गई भाई समझ नहीं रहा डिफरेंशियल टेम्परेचर सेम है रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर सेम रहेगा तुम चाहे एल लेंथ की रॉड लो चाहे तुम एल वाई फोर लेंथ की रॉड लो ये भी सेम है तुम्हारा टोटल टेम्परेचर ड्रॉप सेम नहीं बोल रहा मान लो वन मीटर में हंड्रेड डिग्री का ड्रॉप हो रहा है अब क्या हो रहा है 1 आ थी हुई, तो हो रहा था। अब तुमने लेंथ वन फोर्थ टेम्परेचर ड्रॉप भी वन फोर्थ हो गया तो इन दोनों को डिवाइड करोगे जब तो सेम ही निकल के आएगा पर यूनिट लेंथ तो सेम ड्रॉप हो रहा है चाहे एक मीटर की रॉड हो चाहे वन बाई फोर मीटर की रॉड हो पर यूनिट लेंथ तो सेम ड्रॉप हो रहा है तो आंसर विल रिमेन सेम दिस इज ए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसलिए मैं बोल रहा था अच्छा क्वेश्चन ये और याद रखना पी वाई क्यू से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, है एग्जाम के लिए सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं तुम्हारे एग्जाम में कोई नया नहीं आता कुछ नया नहीं आता तुम्हारे एग्जाम में इन ए वे तुम्हें पूरा नीट का पेपर ऑलरेडी पता है जो अभी तक आया है वही घूम फिर के आना है या तो हुआ हु सेम आ जाएगा नहीं तो हल्का फुल्का ऊपर नीचे करके अगली बार वन किलो कैलरी की जगह टू किलो कैलरी दे देगा आ जाएगा भी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में और ऐसा हर साल होता है हर साल होता है ऐसा करो अगेन डेटा मिसिंग तो अब तुम्हें खुद से अज्यूम करना है रिक्वायर्ड डेटा अ स्लैब कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स ऑफ डिफरेंशियल मटेरियल क्या है डिफरेंट स्लैब हाँ भाई स्लैब कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ सेम हम्म ठीक है भाई थिकनेस सेम दे दी एंड हैविंग थर्मल कंडक्टिविटीज केवन एंड के डू आर कनेक्टेड इन सीरीज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द स्लैब इज तो अगेन क्या डेटा मिसिंग है लेंथ नहीं बताई भाई थिकनेस सेम बोल दी एरिया सेम बोल दिया इन्होंने उन्होंने बोला कि एरिया सेम है बट लेंथ की कोई इंफॉर्मेशन uh, नहीं है तो, तो तुम्हें लेंथ खुद से सेम मान रही हूँ हम अज्यूम कर रहे हैं वी आर अज्यूमिंग इट बिकॉज द डेटा इज मिसिंग है ना क्योंकि जो पेपर बना रहे हैं वो बहुत जीनियस लोग हैं समझ रहे हो ना जितना अच्छा इनका कॉलेज है उत घटिया पेपर बनाते हैं इन्वर्स रिलेशन है यहाँ पे पेपर की क्वालिटी और हॉस्पिटल की क्वालिटी पे इन्वर्स रिलेशन है भाई बताओ अरे मिलते हैं कल अनकेडमी प्लस पे ठीक है बेटा हम्म हो गया आंसर बोलो आंसर बोलो भाई क्या होगा तो क्या बोल रहे हैं कर लेते क्वेश्चन आंसर दे रहे हो तो दो नहीं तो मैं कर रहा हूँ सॉल्व हो क्या सॉल्व करके निकलेगा आंसर डी एक्स डी कोई आंसर नहीं है भाई ए बी सी डी है चार ऑप्शन है डी जैसा कोई ऑप्शन नहीं यहाँ पे है ना ए बी सी डी वी फोर ऑप्शंस बी ए चला जाओ कर लेते हैं गलत ए है। चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं तो भाई हमें पता ही है सीरीज़ बोला है तो आर एक्ट विल बी आर वन प्लस आर टू तो आर एक्ट इज एल इक्वेलेंट बाई के एक क्यों वैलेंट इन आर वन इज एल वाई के वन ए आर टू इज एल वाई के टू ए एंड एल एक् तुम्हारा हो जाएगा टू एल टोटल लेंथ टू एल ए के एक हमको निकालना है ए एक इनका ए रहेगा ये आ गया एल वाई के वन ए प्लस एल वाई के टू ए तो देखो यहाँ पे एल 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 ए ए गया तो टू बाई के का तुम्हारा ये निकल के आ गया इसको करेंगे तो के वन प्लस के टू डिवाइडेड बाई के वन के टू देखो के वन प्लस के टू डिवाइडेड बाई के वन के टू है ना तो तुम्हारा क्या आ गया के का हमारा केक का निकल के आ रहा है यहाँ पे के वैलेंट निकल के आ रहा है टू के वन के टू मैं क्या कुछ लोग इन फॉर्मूले को भी रट के रखते हैं ना तो ऐसे रटना नहीं है ऑन द स्पॉट सॉल्व करना सीखो यार तुम जल्दी जल्दी सॉल्व कर सको पंद्रह सेकंड में सॉल्व करो क्वेश्चन तो उससे तुम्हारी सॉल्विंग कैपेबिलिटीज बढ़ेगी अगर इसको याद रखोगे तो फिर डेढ़ लाख फॉर्मूले है फिजिक्स में पूरे डेढ़ लाख फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे और अगर समझोगे तो सौ फॉर्मूले पूरी फिजिक्स में बस आएगा समझ में सो वॉट इज द राइट आंसर ए ए इज द राइट आंसर सर सब आंसर देते हैं आपको देर में बिजली बोल होता हाँ ये वाली बात सही बोल रहे हो तुम डिले है यार इसलिए तो अपन प्लस पे करते हैं यूट्यूब की क्लास में डिले भी रहता है पता नहीं वो कौन लोग हैं जिनको यूट्यूब क्लास ज्यादा अच्छी लगती है बोलते हैं भाई प्लस की क्लास में कितना तगड़ा है भाई अपना प्लस का प्लेटफॉर्म है पोल है डिले नहीं होता कोई है ना बहुत कुछ है करे इस क्वेश्चन को अच्छा टूट जाएगी स्क्रीन भाई इस स्क्रीन को तोड़ने के दम थोर के हथोड़े में भी नहीं है टू कंडक्टर्स हैविंग सेम टू कंडक्टर्स हैविंग सेम एंड विस डी वन एंड डी टू एंड थर्मल कंडक्टिविटी के वन एंड के टू आर प्लेस्ड वन अबब अनदर फाइंड द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी तो इस बार पैरेलल कॉम्बिनेशन है सॉल्व इस बार पैरेलल कॉम्बिनेशन है Hm. सी चलो एक आंसर आया सी कोई और सर लाइव एक्सपीटी करो ना व्हाट इज बेटर एक्सपीटी जल्दी बोलो भाई जल्दी एक ही बच्चे ने आंसर दिया अभी तक किसी और ने नहीं दिया चलो मैं कर रहा हूं हटा देखो क्या बोल रहे पैरेलल लगाए ना इस बार रॉड्स को दो रॉड्स है ना और क्यूबर्ड मान के चलो है ना रॉड्स को क्यूबर्ड मान के चलते हैं ना इस बार वो क्यूबर्ड मान रहे हैं रॉड्स को है ना अरे हाँ यार अरे बन गई रॉड क्या बोल रखा है इन्होंने क्या बोल रखा है सेम विड्थ बोल रहे हैं विड्थ सेम है से हमने कहा ठीक है भाई बोल रहे हैं थिकनेस अलग अलग है भाई सर थिकनेस डी है ठीक है भाई और क्या बोल रहे हैं सेम विड्थ एंड लेंथ भी सेम हमने कहा ठीक है भाई तो कंडक्टिविटी अलग अलग बोल रहे हैं ठीक है, है भाई डी और के अलग अलग है चलो तो इस रॉड का रेजिस्टेंस क्या होगा एक रॉड का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा थर्मल रेजिस्टेंस एल वाई के इंटू ए ए इज डब्ल्यू इंटू डी ठीक है और डी और के अलग है बाकी सब सेम है तुम्हारा तो पैरेलल है तो वन बाई आर इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा वन बाई आर वन प्लस वन बाय आर टू आर इक्विवेलेंट तुम्हारा आ जाएगा एल इक्विवेलेंट बाई के इक्विवेलेंट इंटू ए इक्विवेलेंट आर वन इज एल बाई के ए है ना एल क्या है वे तुम्हें तो निकालने लगा इक्विल थर्मल कंडक्टिविटी निकालनी के एक वैलेंट निकालना है ना एल एल इज एल एल इज एल एल बाई के डब्ल्यू और ये अलग है के वन अलग है और डी वन अलग है न ये दो चीज़ें अलग अलग है और ये भी तुम्हारा आ जाएगा के टू डब्ल्यू डी टू बाई एल एल से मैं तुम्हारा और ये प्लस है इक्वल टू नहीं ये प्लस है तुम्हारा ठीक है चलो अब तुम्हें ए इक्लेंट क्या होगा ना तुम्हें नई रॉड बनानी है तो नई रॉड का एरिया क्या लोगे तो एरिया इन दोनों का सम होता है मैंने कहा था देखो है ना जब पैरल लेते हैं ना अपन पैरल तो पैरल में एल इक्लेंट दोनों की लेंथ के बराबर होता है दोनों रॉड की लेंथ एल है तो एल इक्वेलेंट की लेंथ भी एल ही होगी ठीक है के इक्वेलेंट हमको ज्ञात करना है एक क्यूबेलेंट क्या होता है पैरल में ए वन प्लस ए टू तो एक A1 प्लस तो ए टू आ जाएगा तुम्हारा डब्लू तो सेम है दोनों का wd1 wd2 तो wd1 d2 आ जाएगा तुम्हारा ये है ना तो पैरेलल में एरिया ऐड हो जाता है सीरीज में लेंथ ऐड हो जाती है तो एरिया ऐड कर देंगे तो तुम्हारा आ जाएगा w into d1 plus d2 और यहां से तुम्हारा w by l कॉमन आ गया अंदर आ रहा है k1 d1 plus k2 d2 अब खत्म क्वेश्चन लो अब करो अपना है ना फेवरेट काम पूरी फिजिक्स में वो चीज जो हमको सबसे ज्यादा आनंद प्रपा... प्रोवाइड करती है क्या काटा पीटी तो तो इक्विवेलेंट के लिए, लिए दिख रहा है के वन डी वन प्लस के टू डी टू डिवाइडेड बाई के वन प्लस के टू सो द आंसर इज सी आंसर अपना सी है सी इज आर आंसर देख लो देख लो भाई कोई दिक्कत है तो बता दो बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या नहीं है बढ़िया आगे चलो अब कन्वेक्शन पे करते हैं ना कन्वेक्शन पे ज्यादा कुछ नहीं आता एक दो क्वेश्चन आते हैं देख लो है ना कर लेते हैं कंडक्शन अपना हो चुका है इसका रेडिएशन स्टार्ट करेंगे ना तो सही चल रहा है अपना है ना एक घंटे से कम में अपन ने कंडक्शन पूरा कर लिया अब रेडिएशन होगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज डिपेंड्स ऑन ग्राविटी अब जिसने समझ आया वो कर लेगा और रटा वाला भी वैसे तो तो ही देगा कंडक्शन रेडिएशन कन्वेक्शन तो ऑब्वियसली कन्वेक्शन टॉपिक है तो कन्वेक्शन ही होगा बाकी समझ में आता है ना ऐसा क्यों होता है एटलीस्ट प्रोसेस समझ में आनी चाहिए कि क्यों डिपेंड करता है जैसे कन्वेक्शन में क्या होता है जैसे तुम पानी गर्म कर रहे हो पानी के नीचे तुमने आग लगा दी पानी गर्म कर रहे हो तुम्हें ना यहाँ पे बहुत सारा पानी है मान लो तो होता क्यों ऐसा देखो तो होता क्या है कि जैसे जैसे तुम इसका टेम्परेचर जैसे कंड क्या होता है सबसे पहले तो आग है आग मेटल के कांटेक्ट में तो कंडक्शन से मेटल गर्म हुआ फिर मेटल के कांटेक्ट में नीचे वाला पानी है तो कंडक्शन से वो गर्म हुआ तो अब क्या होता है नीचे वाले पानी का टेंपरेचर बढ़ता है और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता ये है ये कंडक्शन से बढ़ा है अभी कन्वेक्शन नहीं हुआ अभी कंडक्शन से टेंपरेचर बढ़ा है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है डेंसिटी कम होती है और डेंसिटी कम होती है तो बायंसी फोर्स क्या करता है बायंसी फोर्स कम डेंसिटी वाले मटेरियल को ऊपर लेके चला जाता है तो इधर का जो पानी है उसकी डेंसिटी कम हो गई तो बायसी फोर्स इसे ऊपर ले जाएगा और बायंसी फोर्स क्या होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इन टू जी बायंसी फोर्स हमेशा ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो समझो यहां पे रीजन तुम्हारा बायंसी फोर्स है कन्वेक्शन में क्या हुआ कंडक्शन से नीचे वाला पानी गर्म हुआ गर्म होने से उसका गर्म होने से उसकी डेंसिटी कम हो गई डेंसिटी कम होगी तो बायसी फोर्स उस उसको ऊपर लेके चला गया तो कम डेंसिटी का पानी ऊपर चला गया और ज्यादा डेंसिटी ठंडा पानी ठंडे पानी की डेंसिटी ज्यादा होती तो वो नीचे आ गया तो मतलब पानी खुद हीट को लेके ऊपर जा रहा है यहां पे सिर्फ कंडक्शन से नहीं हो रहा पानी जो गर्म पानी है वो खुद ऊपर जाता है और ठंडा पानी नीचे आता है ठीक है फिर वो ये ठंडा पानी फिर ये ठंडा पानी गर्म हो जाएगा फिर ये ऊपर जाएगा तो दूसरा पानी नीचे आएगा तो ऐसे पूरे कन्वेक्शन करंट क्रिएट हो जाता है और इस तरीके से तुम्हारा पानी गर्म हो रहा होता है तो रीजन इज द ग्रेविटी अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस में करोगे अगर ग्रेविटी जीरो है तो बायस फोर्स जीरो हो जाएगा और कन्वेक्शन नहीं होगा अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को ग्रेविटी फ्री स्पेस में तुम पानी गर्म करोगे कुछ भी करोगे देर विल नॉट बी एनी कन्वेक्शन ओनली कंडक्शन ठीक है ग्रेविटी इज द रीजन चलो करो एयर एट समा ऊपर ज्यादा गर्म होती है अगर तुम आग के ऊपर हाथ रखोगे ज्यादा गर्मी होती है नीचे हाथ रखते हैं उतने ही नीचे हाथ रखेंगे तो उतनी गर्मी नहीं होगी क्यों एयर सराउंडिंग द फायर कैरीज हीट अड्स मेरा क्लियर है यह तो बहुत आसान क्वेश्चन है, है ना? ए एफकोर्स ए है ना दोनों ही बातें सही है ना हम सब ने एक्सपीरियंस करा रहा है रीजन क्या है क्योंकि कन्वेक्शन के कारण जो गर्म हवा होती है उसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर जाती है नीचे नहीं जाती तो जो हवा गर्म हो रही है वो ऊपर जा रही है तो कन्वेक्शन से हीट ऊपर आ रही है रीजन इज ऑल्सो राइट ठीक है चलो अब फाइनली चलते हैं रेडिएशन पे ना इस चैप्टर का मेन पार्ट रेडिएशन चलो करते हैं अपने एक घंटे से ज्यादा फटाफट करते हैं रेडिएशन तो हीट ट्रेवल्स थ्रू वैक्यूम बाय देखो तो वैक्यूम में मतलब कोई भी गैस तक नहीं होती कोई मॉलिक्यूल नहीं होता कुछ एयर नहीं होती तो हीट ना तो कन्वेक्शन से जा सकती है ना कंडक्शन से सो रेडिएशन इज द ओनली वे है ना रेशो ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन ट्रांसमिटेड थ्रू द बॉडी टू द अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन टीट है ना मतलब पावर ट्रांसमिटेड बाय पावर इंसिडेंट इसको हम ट्रांसमिटिविटी बोलते हैं so, या ट्रांसमिटेंस सो ए इज द आंसर ये आसान आसान चीज है इसलिए मैं जल्दी बढ़ रहा हूं आगे है ना ठीक है न्यूमेरिकल्स करेंगे अपन चलो ब्लैक बॉडी वगैरह कर लेते ना इनमें कन्फ्यूजन होता है ये कर लेते आ जो। आ जाओ जाओ भाई तो क्या बोल रहे हैं ये लोग बताओ कह रहे हैं ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोज टू एन आइडियल ब्लैक बॉडी ब्लैक लैम्प है क्या फिर बोल रहे हैं कैविटी मेंटेन्ड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लेटिनम ब्लैक क्या होता है भाई ए लैंप ऑफ चारकोल हीटेड टू हाई टेम्परेचर खूब कन्फ्यूज कराया जाए और कन्फ्यूज हो भी जाते हैं जो नीट के विद्यार्थी होते हैं वह ऐसी चीज़ छोटी छोटी चीज़ों में कन्फ्यूज़ हो भी जाते हैं तो भाई पर इसी तरह का पेपर आता है तुम्हारा एग्जाम में बताओ क्या होगा वॉट विल बी द आंसर ब्लैक लैम्प काला चिराग है अलादीन का चिराग काला कर दिया जाए अगर ब्लैक लैम्प काला चिराग कैविटी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लेटिनम ब्लैक वॉट इज दैट आई डोंट नो लैम्प ऑफ चारकोल लैम्प ऑफ चारकोल कोयले का चिराग जिसको बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट कर दें तो क्या होता है प्लेटिनम <coughs> ब्लैक तो भाई मुझे नहीं पता क्या होता है ये ना ऑनेस्टली आई डोंट नो कोयले को गर्म कर देंगे तो वो लाल हो जाता है पर उसको ब्लैक बॉडी तो नहीं बोलते ना ब्लैक बॉडी तो नहीं है कोयला गर्म कोयला ब्लैक बॉडी तो बिल्कुल नहीं है ना अब ये दोनों कंफ्यूज करते हैं पता ये क्यों कन्फ्यूज करता है क्योंकि हम एक वर्ड पढ़ते हैं वहां पर जो होता है लैंप ब्लैक इन्होंने बहुत सही किया शब्दों में और तुम्हें तो समझना पड़ेगा लैम्प ब्लैक और ब्लैक लैम्प दो अलग अलग चीजें ब्लैक लैम्प का मतलब है काला चिराग और लैम्प ब्लैक बिल्कुल अलग चीज लैंप ब्लैक क्या होता है राख जिससे काजल बनता है काजल बनाते वो राख ही तो होती है वो वो धुएं से जो आती है वो काजल वो लैंप ब्लैक बहुत है वो मटेरियल तो लैम्प ब्लैक होती तो बात अलग है ना तो कैविटी मेंचर मतलब क्या है ये अपन एक्सपेरिमेंटली ऐसी तो बनाते हैं एक यहाँ पे छेद कर देते हैं तो और इधर पे एक ऐसा मटेरियल लगा देते हैं तो जो भी ए, वो अंदर आती है लाइट वो ऐसे रिफ्लेक्ट होती है और ऐसे रिफ्लेक्ट होती रहती है ऐसे फंस जाती है ट्रैप हो जाती है ना अगली चीज इसकी जो अंदर पुताई होती है इसकी जो अंदर पुताई होती है ये मिरर नहीं होता भाई हमें एब्जॉर्ब करना है रिफ्लेक्ट नहीं करना है। इसके अंदर एक काले कलर का काले कलर की पुताई करी जाती है इसके अंदर का मटेरियल ये ब्लैक कलर जो है इसको बोलते हैं लैम्प ब्लैक राख जो राख होती है ना काजल वो काजल लगा देते हैं इसको लैंप ब्लैक इसके अंदर काजल की पुताई कर देते हैं इसको बोलते हैं लैम्प ब्लैक तो ये लैंप ब्लैक मटेरियल क्या करता है इसकी एब्जॉर्बिविटी 99% से ज़्यादा होती है मतलब तुमने तुम्हारी अगर सौ जूल लाइट अंदर आई तो नाइन्टी नाइन जूल यहीं पर एब्जॉर्व हो जाएगी यहां पे नाइनटी नाइन जूल यहीं एब्जॉर्व हो गई एक जूल रिफ्लेक्ट हुई फिर इसमें से नाइन्टी नाइन परसेंट एब्जॉर्व हो जाएगी मतलब पॉइंट नाइन नाइन जूल अब सिर्फ जीरो पॉइंट जीरो वन जूल रिफ्लेक्ट हुई मतलब दो रिफ्लेक्शन बाद सिर्फ जीरो पॉइंट जीरो वन जूल बची है तीन चार रिफ्लेक्शन में पूरी लाइट एब्जॉर्व हो जाती है तो सारी लाइट खा जाता है तो इसको हम एक्सपेरिमेंटली डिजाइन करते हैं लैब में है ना तो ब्लैक बॉडी ऑलमोस्ट दिस इज ऑलमोस्ट अ ब्लैक बॉडी ठीक है तो लैम्प ब्लैक को ब्लैक लैम्प से कंफ्यूज ना करें क्या क्लियर है हमको क्या क्लियर हो गया है सर आप यूट्यूब पर डेली क्लास लेते हो बोलो भाई तुम लोग बोल दो तुम क्या चाहते हो डेली इलेवन क्लास तुम बता दो भाई क्या अच्छा है तुम्हारी क्या चाहते हो तुम <coughs> आ रहा भाई ए होलो मेटल एक क्लोज कंटेनर विद स्मॉल ओपनिंग मेंटेन्ड एट अ हाई टेम्परेचर कैन एक्ट एज अ सोर्स ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन ऑल मेटल्स एक्ट एज ब्लैक बॉडी रेडिएटर बता दो भाई एबीसीडी दो बार आ चुका है ये क्वेश्चन 1996 में और लास्ट टाइम पूछा गया था 2015 में बता दो एबीसीडी तो भाई ये तो बिल्कुल सही है अभी अपन ने पढ़ा कैविटी अपनी ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करती है ऑल मेटल्स एक्ट एज ब्लैक बॉडी नो बिल्कुल नहीं आंसर इज सी बिल्कुल नहीं किसने गाबे सारे मेटल ब्लैक बॉडी होते हैं ये तो बहुत फर्जी बात है बिल्कुल फर्जी बात है भाई स्टेफन लॉ हां भाई स्टेफन लॉ पे आ जाते हैं ना स्टेफनस लॉ ब्लैक बॉडी इज एट सेवन ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस Black body is at 727 degrees Celsius, it emits energy at a rate which is proportional to. Bata do. <coughs> कुछ नहीं भाई स्टेफन्स लोग क्या बोलता है तुम्हारा वो बोलता है कि पावर इमिटेड बाय ए बॉडी एक बॉडी अगर टी टेम्परेचर पे तो पावर इमिटेड बाय अ बॉडी इज सिग्मा ई ए टी पावर फोर और टी अपन एब्सोल्यूट टेम्परेचर में लेते हैं कैलविन में ई तुम्हारी इमिसिबिटी होती है ना जो ब्लैक बॉडी के लिए बन होती है सिग्मा तुम्हारा स्टेफन्स कॉन्टेंट विच इज़ द यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट ए इज द एरिया तो टेम्परेचर सेवन ट्वेंटी सेवन है तो आंसर सेवन ट्वेंटी सेवन पावर फोर नहीं होगा क्योंकि तुम्हें कैलविन में कन्वर्ट करना है

और कई क्वेश्चन आते हैं डायमेंशन में से हाँ भाई क्या होगा यूनिट बताओ व्हाट इज द यूनिट बोलो तो पी इज इक्वल टू सिग्मा ई सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई इज़ पार का यूनिट है वॉट ई इमारा यूनिटलेस होता है एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर टेम्परेचर का यूनिट केल्विन पा तो वॉर्ड पर मीटर स्क्वायर अच्छा इधन घुमा फिरा के लगाए कन्फ्यूज़ हो सकते कन्फ्यूज होने वाले यहाँ पे मीटर स्क्वायर न्यूमरेटर में है तो वॉड न्यूमरेटर में रहेगा मीटर स्क्वायर और कैलबिन पावर फोर डिनोमिनेटर में रहेंगे देख लो ठीक है चलो ब्लॉक फर्जी क्वेश्चन अब बहुत ही फर्जी फर्जी क्वेश्चन है ना चलो कर लो यार एक आध फर्जी क्वेश्चन और कर लो क्यों यही फर्जी क्वेश्चन तुम्हारे एग्ज़ाम में भी आने हैं जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें भी यही क्वेश्चन आने भाई कुछ अलग थोड़ी ना आना है तो कर लो यही आसान आसान क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आसान सा एग्जाम है जिसने तमीज से पढ़ लिया एक बार उसका हो जाता है ना करो क्या है बताओ भाई इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इंक्रीजेज फ्रॉम सेवन डिग्री सेल्सियस टू टू एटी सेवन डिग्री सेल्सियस देन द रेट ऑफ एनर्जी रेडिएशन इज इज हाँ भाई हो गया डी चला आ जाओ कर लेते तो पहले अपन कैलबिन में कंपेयर करो दो सौ तिहत्तर में सात का एडिशन करो तो क्या दो सौ अस्सी आ रहा है दो सौ सतासी में दो सौ तिहत्तर करो टू सेवेंटी थ्री को ऐड करो सो सात तीन दस की जीरो हासिल एक सोलह की छः और पाँच पाँच सौ साठ आ गया तो अगर इस टेम्परेचर को मैं टी बोलूंगा तो ये टेम्परेचर टू टी है तो पावर का रेशो पूछा उन्होंने पी टू बाई पी वन दैट इज टी टू बाई टी वन पावर फोर तो टू टी बाई टी पावर फोर तो टू पावर फोर पावर की पूछे ना इफ द टेम्परेचर ऑफ ए ब्लैक बॉडी इंक्रीजेज फ्रॉम दिस टू दिस देन द रेट ऑफ एनर्जी रेडिएशन इज सिक्सटीन टाइम्स डी क्यों बोल रहे थे तुम तो लोग भाई डी क्यों बोल रहे थे मैं समझा नहीं गधे हो गए बिल्कुल ही हैं बिल्कुल ही अरे अभी बताया पावर इज प्रोपोर्शनल टू टी पावर फोर क्या हो गया तुम लोगों को ऐसे क्वेश्चन गलत करोगे खुद को कैसे माफ़ करोगे हैं भाई ऐसे क्वेश्चन गलत करोगे तो खुद को ही माफ़ नहीं कर पाओगे चलिए बिल्कुल इतना भाई वो आसान से आसान पेपर बनाते हैं तुम्हारे लिए और तो तुम तो उसको भी गलत कर दो तो फिर क्या ही मतलब रहा भाई बहुत अच्छे एन टी ए वाले कभी भी कुछ डिफिकल्ट नहीं डालते तुम्हारे एग्जाम में सीधे सीधे डालते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड डालते हैं कि नीट का बच्चा कहीं कंफ्यूज ना हो जाए स्टेफन वोल्ड्स में बोलता है अगर बॉडी का टेम्परेचर टी है और सराउंडिंग का टेम्परेचर टीएस है तो जो नेट इमिशन होगा नेट इमिशन जो पावर का नेट इमिशन या रेडिएशन हो रहा है दैट इज सिग्मा ई ए, ए टी माइनस टी एस पा फो है ना नेट इमिशन है पिछली बार अपन ने सिर्फ इमिशन कंसीडर करा था पर अपन को पता है है ना? कि भाई कोई भी बॉडी हर टेम्परेचर पे हर टेम्परेचर पे इमिट भी कर रही होती है और एब्जॉर्ब भी कर रही होती है हर टेम्परेचर पे। फर्क नहीं पड़ता वो कितनी ठंडी है और कितनी गर्म है हर टेम्परेचर पे इमिशन और एब्जॉर्बन एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है जो हमेशा साथ में चलती है सिग्मा ई टी पावर फोर माइनस टी एस पावर फोर है ना ठीक है इस पर करने हैं फॉर अ ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर सेवन ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस रेडिएटिंग पावर इज सिक्सटी वॉट एंड द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग तो ये टी एस है और ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर दिया टी वन और ये तुम्हें इमिटेड पावर दिए पी वन इफ द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज चेंज टू वन थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस देन इट्स रेडिएटिंग पावर विल भी पी टू पूछा है तुमसे तो स्टेफन लॉ में है क्वेश्चन करो थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस करो यार क्या डी चलो ठीक है कोई और एक आंसर आ गया डी हाँ भाई कोई और आंसर टू सेवेंटी थ्री एड करते जाओ और क्या सब में टू सेवेंटी थ्री ऐड करो इसमें कितना हो रहा है ये कितना हो गया तुम्हारा ये आठ सौ आठ सौ और ग्यारह आठ सौ आठ सौ हज़ार हज़ार हो गया हजार के एलविन और इसमें टू सेवेंटी थ्री एड करेंगे क्या टेम्परेचर डिफरेंस में तो फर्क ही नहीं इसमें ऐड करने नहीं हाँ फर्क पड़ता है टी पावर फोर है यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा ना क्योंकि टी पावर फोर होता है ये तो तुम टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे टी माइनस टी एस का टर्म नहीं है जो तुम सेल्सियस में लिख के काम चला लोगे यहाँ पे टी पावर फोर माइनस टी एस पावर फोर है तो तुम्हें कैलविन में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें ऐड करो टू सेवेंटी थ्री तो ये पाँच सौ कैलविन आ गया तुम्हारा और ये जो नया टेम्परेचर ही हो जाएगा टू सेवेंटी थ्री एड करेंगे तो ये पंद्रह सौ कैलविन हो गया देख लो तो हज़ार कैलवे पाँच सौ कैलवेन एंड पंद्रह सौ कैलविन अब सॉल्व करो तो हमें पता है पावर होती है तुम्हारी प्रपोर्शनल टू टी पावर फोर माइनस टी एस पावर फोर बाकी सब सेम है तो पी टू बाई पी वन तुम्हारा यही आ जाएगा नया टेम्परेचर है टी टू पावर फोर माइनस टी एस पावर फोर बाई टी वन पावर फोर माइनस टी एस पावर फोर तो टी टू इज़ फाइव फिफ्टीन हंड्रेड पावर फोर माइनस फाइव हंड्रेड पावर फोर टी वन इज़ थाउजेंड पावर फोर माइनस फाइव हंड्रेड फोर तो इसमें से फाइव हंड्रेड को कॉमन ले लो तो फाइव हंड्रेड पावर फोर कॉमन आया और यहाँ से भी नीचे से भी फाइव हंड्रेड पावर फोर कॉमन आया ऊपर बचा हमारा ये 500 कॉमन लिया तो थ्री बचा थ्री पावर फोर माइनस वन पावर फोर डिवाइडेड बाय इधर 500 कॉमन लिया तो टू बचा टू पावर फोर माइनस वन पावर फोर तो ये कट गया तुम्हारा थ्री पावर फोर कितना होता है नो इक्यासी इक्यासी में से एक गए और ये टू पावर फोर है सिक्सटीन सिक्सटीन में से एक गया ठीक है तो इधर पर क्या आ रहा है पी टू तुम्हें निकालना है और पी वन तुम्हें दिया हुआ है सिक्सटी वॉट और ये आ रहा है इक्यासी में से एक गए अस्सी बचा और सोलह में से एक गया पंद्रह बचा खत्म <coughs> क्वेश्चन पंद्रह चौको साठ तो आठ चोको बत्तीस तीन सौ बीस वोट आठ चौको बत्तीस तीन सौ बीस वोट आंसर इज डी तो हमारा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे डी आ रहा है हमारा आंसर देखो देख लो भाई बेसिक सा क्वेश्चन है हल्की सी बिल्कुल हल्की सी कैलकुलेशन बिल्कुल ही हल्की सी पहली दूसरी क्लास लेवल वाली बताओ कोई दिक्कत है तो बोलो बोले भाई बुढ़े आगे चलो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट एंड टेम्परेचर <coughs> देखो क्या है तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट क्या होता है माइनस डी क्यू बाई डी टी स्टर्बेंस लॉस ही आता है सिग्मा ई ए टी पापो माइनस टी एस पापो ये हो गया रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट और डी क्यू तुम्हारा होता है कैलोरी मैटरीज है एमएस डी कैपिटल टी यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना कैपिटल टी से मेरा मतलब टेम्परेचर है और स्मॉल टी से मेरा मतलब टाइम है इस पर ध्यान देना कैपिटल टी टेम्परेचर बता रहा है कैपिटल टी टेम्परेचर बता रहा है स्मॉल टी टाइम बता रहा है तो मुझे निकालना है रेट ऑफ़ फॉल ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर किस रेट से कम हो रहा है बॉडी किस रेट से ठंडी हो रही है रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर तो डी क्यू को रखेंगे एम एस डी टी तो मेरा रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर आ जाएगा यह है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट यह है रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर तो डी क्यू को एमएस से डिवाइड कर दो तो मेरा आ जाएगा सिग्मा ई ए बाई एम एस इंटू टी पाप फो माइनस टी एस पाप ओ देख लो भाई इन फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आते हैं ना ये ऊपर वाला है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बॉडी किस रेट से हीट का लॉस कर रही है और नीचे वाला है रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर किस रेट से बॉडी ठंडी हो रही है और जरूरी नहीं है ये वाली चीज़ अपन ने एग्जाम है ना उसमें भी देखा है कोर्स में ये चीज़ जरूरी नहीं है कि जो ज़्यादा हीट का लॉस कर रहा है वो ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जो ज़्यादा हीट का लॉस कर रहा है वो ज़्यादा जल्दी ठंडा हो ये जरूरी नहीं है है ना मान लो अम्मानी का लड़का रोज एक लाख रुपए खर्च करता है मान लो वो रोज के एक करोड़ रुपए खर्च कर रहा है अम्बानी का लड़का और तुम रोज का मान लो हज़ार रुपये खर्च करने लगो तो बताओ कौन जल्दी कंगाल होगा अम्बानी का लड़का रोज का एक करोड़ रुपये खर्च कर रहा है और तुम रोज का हज़ार रुपये खर्चा करने लगे तो कौन जल्दी कंगाल होगा बताओ बताओ ज्यादा खर्चा तो वो कर रहा है पर कौन जल्दी कंगाल होने वाला है बताओ हम्म रोज का हजार का खर्चा चालू कर दो तो क्या होगा तो समझ गए ना पॉइंट समझ गए ना तो जस्ट बिकॉज कोई चीज ज्यादा हीट का लॉस कर रही है जल... इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्यादा जल्दी ठंडी होगी ना ज्यादा पैसा खर्च करने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा बैलेंस जल्दी खत्म होगा ना वो डिपेंड करता है तुम्हारे पास पहले से कितना है है ना समझ समझो ना वो इस पर भी डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास पहले से कितना है है ना उसको तो फर्क भी नहीं पड़ना <laughs> तुम खत्म <laughs> तो भाई हो सकता है कोई बॉडी बहुत ज्यादा हीट का लॉस कर रही हो पर उसके पास बहुत ज्यादा थर्मल एनर्जी है तो उसका टेंपरेचर धीरे धीरे फॉल करेगा और हो सकता है कि कोई चीज कम हीट का लॉस कर रही है पर उसके पास पहले से ही कम एनर्जी थी बहुत कम एनर्जी थी तो टेम्परेचर जल्दी फॉल हो जाए तो ये पॉसिबिलिटी है ये पता होना चाहिए हमको ये पॉसिबिलिटी है ठीक चलो आ आज अभी आगे बढ़ते फिर करते हैं इस पर क्वेश्चन करते हैं ना लो प्रथम प्रश्न सर्फेस टेम्परेचर ऑफ स्टार ए एंड बी आर दिस 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 रिस्पेक्ट ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये करो है अच्छा क्वेश्चन है सॉलिड एंड होलो एंडोस्पियर आर हीटेड सेम टेम्परेचर एट द सेम टेम्परेचर पॉइंट आउट द ट्रू स्टेटमेंट होलो स्पियर कूज डाउन मोर क्विकली बोथ होलो एंड सॉलिड स्पेयर कूज डाउन इक्वली सॉलिड स्पेयर कूद डाउन मोर क्विकली नन ऑफ दट स्टेटमेंट इज ट्रू बताओ करो सोचो जो अभी बताया उसी सोचो अभी जो बताया उसी से सोचो 一好。A, huh? बिल्कुल सही बात है देखो क्यों देखो रोट रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट की बात करूं तो आइडेंटिकल मान के चलो उन्होंने दिया नहीं अपन सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर दोनों बराबर रेडियस का मान के चल रहे हैं अपन सॉलिड और होलो दोनों बराबर रेडियस का मान के चल रहे हैं दोनों का इनिशियल टेम्परेचर सेम है तो ये होता है सिग्मा ई ए टी पावर फोर माइनस टी एस पावर फोर तो मान लो ये सेम मटेरियल के हैं तो इनका ई e भी सेम हो गया डेंसिटी भी सेम हो गई है ना एरिया भी सेम है तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट तो सेम है मतलब दोनों बराबर खर्चा कर रहे हैं सॉलिड स्पेयर और होलो स्पेयर दोनों के दोनों बराबर खर्चा कर रहे हैं पर रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर की मैं बात करूं तो ये होता है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट डिवाइडेड बाई एम एस अब क्योंकि दोनों सेम मटेरियल के हैं तो उनकी स्पेसिफिक हीट सेम है वही कैलोरी से लिखा है डी क्यू इज एम एस जी है ना क्योंकि दोनों सेम मटेरियल के तो स्पेसिफिक हीट सेम है तो रेट और डी क्यू बाई डी टी भी सेम है अभी अपन ने देख लिया दोनों बराबर हीट का लॉस कर रहे हैं और दोनों की स्पेसिफिक हीट भी सेम है क्योंकि सेम मटेरियल के हैं तो रेट ऑफ ऑल ऑफ टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास और किसका मास ज्यादा होगा अगर सेम मटेरियल के हैं दोनों लोहे के मान लो तो होलो स्पेयर और सॉलिड स्पेयर में से किसका मास ज्यादा होगा इसका मास ज्यादा है सॉलिड का मास ज्यादा है तो सॉलिड का मास ज्यादा है तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे फॉल करेगा होलो वाले का जल्दी फॉल करेगा है ना तो होलो वाला जल्दी ठंडा होने वाला है क्यों क्योंकि सॉलिड वाले में जो एनर्जी है थर्मल एनर्जी है वो पूरे में स्टोर्ड है वो बाहर भी और अंदर पूरी वॉल्यूम में स्टोर्ड है थर्मल एनर्जी होलो वाले में थर्मल एनर्जी क्योंकि बाहर ही स्टोर्ड है सरफेस पे क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं है ना तो उसके पास कम पैसा है सॉलिड वाले का ज्यादा पैसा है तो सॉलिड वाला धीरे धीरे गरीब होगा होलो वाला जल्दी गरीब हो जाएगा है ना ठीक है क्लियर है भाई चलो लॉ ऑफ कूलिंग है ना इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं तो लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉल इन टेम्परेचर इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस और किसके साथ टेम्परेचर डिफरेंस सराउंडिंग के साथ अगर बॉडी का टेम्परेचर टी है और सराउंडिंग का टेम्परेचर टी ऐ से तो इसका जो टेम्परेचर गिरने का रेट है जो ठंडा होने का रेट है बॉडी किस रेट से ठंडी होगी पर सेकेंड वो डिपेंड करेगा इन दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस पर और ये सिर्फ न्यूटनस लॉफ कूलिंग को हम सिर्फ तभी लगा सकते हैं जब टेम्परेचर डिफरेंस है जो इट इज़ वेरी मच लेस देन टेम्परेचर ऑफ़ द सराउंडिंग है ना बॉडी का टेम्परेचर जो डिफरेंस है इसके साथ वो सराउंडिंग से बहुत कम है पर ये कंपेरिजन कैलविन में करना कंपेयर इन कैलविन सेल्सियस में देखोगे तो ऐसे लगेगा कोई फ़र्क ही नहीं है पर कैलविन में देखोगे तो तुम्हें बहुत लार्ज फर्क देखे है ना एनी तुम्हारे एग्जाम में तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाइड होगी होगी पर हाँ ये पता होना चाहिए अपन को तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर अपन ऐसे लिखेंगे है ना तो ये बन जाएगा तुम्हारा अगर मान लो इनिशियल टेम्परेचर T1 है मान लो बॉडी T1 से T2 टू टेम्परेचर पर जा रही है T मिनट्स में स्मॉल टी टाइम में बॉडी टी वन से टी टू टेम्परेचर पर जा रही है तो देखो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं न्यूटन स्लॉफ कूलिंग को देखो है ना तो ये तुम्हारा बन गया रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज सम कॉन्स्टेंट इन टू टी माइनस टी एस है ना तो देखो बॉडी टी वन से टी टू टेम्परेचर जा रही है तो ये इसको अपन इसका अप्रोसीमेटेड फॉर्मूला कैसे होगा तुम्हारे एग्जाम में सारे ही क्वेश्चन अप्रोसीमेटेड फॉर्मूले पे आएंगे इसका अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला होता है और वो सभी को लगाना आना चाहिए तो बॉडी का टेम्परेचर कहाँ से कहाँ फॉल कर रहा टी वन से टी टू तो फॉल इन टेम्परेचर इज टी वन माइनस टी टू एंड टाइम टेकन इज टी इसल टू के इन टू अब टेम्परेचर डिफरेंस क्या लें अब डाउट ही आता है क्योंकि बॉडी का तो एक टेम्परेचर है ही नहीं बॉडी का टेम्परेचर तो फॉल कर रहा है पहले टी वन तब फिर टी टू हुआ तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या लें तो अपन बॉडी का एवरेज टेम्परेचर लेंगे यहाँ पे अपन क्या करेंगे बॉडी का एवरेज टेम्परेचर लेंगे तो ये फॉर्मुला याद रखना है तो मैं अल्टीमेटली या तो ऊपर वाला भी रखना है इससे तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे ये भी याद रखना है इससे तुम्हारे सारे होंगे ना तो यह क्या है ऊपर वाला फॉल इन टेम्परेचर इन दिसमस टाइम इज इक्वल टू सम समू एवरेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर और बॉडी का एवरेज टेम्परेचर क्या होता है टी वन प्लस टी टू डिडेड बाई टू इनिशियल टेम्परेचर टी वन था फाइनल टी टू का तो टी वन प्लस टी टू डिड बाई टू देख लो ये सारे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के क्वेश्चन इसी पे सॉल्व होने वाले सारे के सारे लॉ ऑफ कूलिंग के क्वेश्चन इसी पे सॉल्व होंगे चलो जाओ करते हैं क्वेश्चन बीकर फुल ऑफ हॉट वाटर इज कैप्ड इन ए रूम इफ इट कूल्स फ्राम एटी टू सेवेंटी फाइव इन टी वन मिनट फ्राम सेवेंटी फाइव टू सेवेंटी इन टी टू मिनट एंड फ्राम सेवेंटी टू सिक्सटी फाइव इन टी थ्री मिनट तो टी वन टी टू थ्री में कंपेरिजन पूछा सीधा सीधा रियल वर्ल्ड क्वेश्चन भी है no. सीधा देख के जवाब देने वाला क्वेश्चन है इसमें कुछ करना नहीं सॉल्व ऑव नहीं करना सीधा देख के मानना है अगर तुम समझ गए न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या है तो सीधा देख के जवाब देना है हो गया चलो तो देखो भाई सोचो अपन ने क्या पढ़ा अभी रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर किस रेट से बॉडी ठंडी होगी वो प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस के तो मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लेते हैं कुछ भी मान लो जीरो डिग्री सेल्सियस मान लो ठंडी पड़ रही है तो देखो अभी बॉडी का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कितना एवरेज है सेवेंटी सेवन 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 पॉइंट फाइव तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना ज्यादा है तो अभी ज्यादा रेट से ठंडी होगी ज्यादा रेट से ठंडा होना मतलब कम समय लगेगा यहां से यहां तक ठंडा होने में कम समय लगेगा अब देखो टेम्परेचर कम हो गया तो रेट जो टेम्परेचर गिरने का रेट था वो कम हो गया मतलब अब टेम्प अब समय ज्यादा लगेगा अब समय ज्यादा लगेगा देखो तीनों ही केस में पांच डिग्री का फॉल हो रहा है पर इसमें सबसे कम समय लगेगा क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है तो ज्यादा रेट से हीट का लॉस हो रहा है यहां पे कम रेट से हीट का लॉस हो रहा है यहां पे और कम रेट से तो आंसर इज टी वन इज लेस टी टू इज लेस देन दे यही तो है लॉ ऑफ कूलिंग कि जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा जल्दी चीज तुम्हारी ठंडी होगी जितना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा चलो अ बॉडी कूल्स फ्रॉम टेम्परेचर थ्री टी टू टू टी इन टेन मिनट्स है ना अपनी क्वेश्चन है ये सभी को आने चाहिए ना इंपॉर्टेंट है इनपे अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। द रूम टेम्परेचर इज टी ठीक है भाई टी एस दे दिया

नीट टू थाउजेंड सिक्सटीन का है ना उस समय अच्छा पेपर आया था डिसेंट लेवल क्वेश्चन आए थे करो करो जल्दी करो करें कि कोई जवाब दे रहा है कर लिया आएगा किसी ने देखो पहले से फिगर बना लो देखो ना सबसे पहले बॉडी का टेम्परेचर थ्री टी था थ्री टी से वो टू टी पे गई कितनी देर में गई दस मिनट में फिर अगला क्या हुआ है वो अगले दस मिनट में कहा जाएगी अब उसका टेम्परेचर टू टी हो गया मान लो अगले दस मिनट में वो जा रही है टी डैश पे दस मिनट में तो ये टी डैश कितना है यही पूछा गया है कि ये टी डैश कितना होगा अगले दस मिनट में वो किस टेम्परेचर पे जाएगी यही पूछा गया है अगले दस मिनट में इसका टेम्परेचर क्या होगा <coughs> वह किसी ने कराया क्या भाई बी डी चलो देखते आ जाओ करते हैं चलो लगाओ भाई अपनी इक्वेशन वही लगेगी क्या है भाई अपनी इक्वेशन टी वन माइनस टी टू बाई टी इज इक्वल टू है ना टेम्परेचर ड्रॉप रेट ऑफ ऑल ऑफ टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू सम कांस्टेंट इनटू एवरेज टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर तो चलो पहले वाले पे लगाते तो टेम्परेचर ड्रॉप कितना हुआ थ्री टी माइनस टू टी टी और टाइम तुम्हारा दस मिनट लगा चलो अच्छी बात है एवरेज टेम्परेचर कितना है ना टू और टू पॉइंट फाइव टी माइनस टी एस टी एस इज योर टी तो तुम्हारा निकल के आ रहा है के इन टू वन पॉइंट फाइव टी ठीक है ये तुम्हारी पहली इक्वेशन आ गई देखो अब इस सेम इक्वेशन को मैं लगाऊंगा इस इधर पे इसके लिए इस वाली प्रोसेस के लिए तो इस वाली प्रोसेस में इनिशियल टेम्परेचर है मेरा टू चलो अब जगह खत्म हो रही है मैं अगले पेज पे लिख रहा हूँ ना यहाँ पे जगह खत्म है तो अब यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर है अपना टू इनिशियल टेम्परेचर टू फाइनल टेम्परेचर इज टी डैश टाइम इज अगेन टेन मिनट्स कॉन्स्टेंट एवरेज टेम्परेचर कितना हो जाएगा टू टी प्लस टी डैश बाई टू एवरेज टेम्परेचर इतना है टू टी से टी डैश में फॉल कर रहा है माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर विच इज टी तो मेरा आ गया टू टी माइनस टी डैश बाई टेन मिनट्स इसे करस्टेंट इंटू तो टू टी माइनस टू टी खत्म हो गया ये बचा टी डैश बाई टू दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन तो सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा टू टी माइनस टी डैश बाई दस मिनट दस मिनट से दस मिनट कट गया और डिवाइड बाई टी आएगा यह आ रहा है तुम्हारा टी डैश बाई टू के से के कट गया और इधर आएगा वन पॉइंट फाइव टी वन पॉइंट फाइव टी देखो तो टी से टी गया 1.5 पॉइंट फाइव इंटू टू तुम्हारा थ्री बन गया थ्री को यहाँ मल्टीप्लाई करो तो सिक्स टी माइनस थ्री टी डैश इज एकल टू टी डैश तो फोर टी डैश इज एकल टू सिक्स टी तो टी डैश इज सिक्स टी बाई फोर थ्री टी बाई टू तो तुम्हारा फाइनल टेम्परेचर आएगा थ्री टी बाई टू मतलब बीज द आंसर बी आंसर आएगा देखो फाइनल टेम्परेचर इज थ्री टी बाई टू द आंसर देखो देखो ये समझ में आ इंपॉर्टेंट है अगर किसी को नहीं आता तो घर पर जाकर दो चार क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ये फ्री का नंबर कोई फ्रॉम को 70 डिग्री डिग्री कोई नहीं मैं अभी प्रैक्टिस करा देता हूँ नहीं भी आता तो अभी सीख जाओगे एक क्वेश्चन के लिए एक और कर लो है ना अभी सीख जाओगे सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर कुल्स फ्रॉम सेवेंटी डिग्री सेल्सियस सिक्सटी डिग्री सेल्सियस इन फर्स्ट फाइव मिनट एंड देन टू फिफ्टी फोर डिग्री सेल्सियस इन द नेक्स्ट फाइव मिनट्स द टेम्परेचर ऑफ़ द सराउंडिंग इज इस बार सराउंडिंग का टेम्परेचर पूछ लिया अपन से इक्वेशन सेम ही लगेगी सेम इक्वेशन लगेगी करो सब लोग वैल्यूज डिफरेंट है डिफरेंट चीज पूछी गई है इस बार पर लगेगा सब कुछ सेम जो पहले लगाया था वही फिर से लगना है ए सी ठीक है दो आंसर आ रहे हैं ए सी ए और कोई और कोई बताओ चला जाओ देखते है क्या है कुछ लोग ए बोल रहे हैं कुछ लोग सी बोल रहे हैं तो स्टार्टिंग में सेवेंटी डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर और वो फॉल कराए सिक्सटी डिग्री सेल्सियस पे फाइव मिनट्स में ना ठीक है तो इस पर क्वेश्चन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा फॉल इन टेम्परेचर टीवन माइनस टी टू एज सेवेंटी माइनस सिक्सटी बाई टाइम इज फाइव मिनट इज इक्वल टू के इन टू एवरेज टेम्परेचर इज सिक्सटी फाइव माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर ठीक है तो ये अपनी पहली इक्वेशन आ गई दूसरी इक्वेशन अपनी क्या आ रही है अब बोला इन्होंने एंड इन द फर्स्ट फाइव मिनट एंड टू फिफ्टी फोर डिग्री सेल्सियस इन द नेक्स्ट फाइव मिनट्स अगले और पाँच मिनट में ये फिफ्टी फोर डिग्री सेल्सियस पे चला गया तो अब इन दोनों के बीच में लगानी इक्वेशन तो अब इनिशियल टेम्परेचर इज सिक्स फाइनल टेम्परेचर इज फिफ्टी फोर टाइम इज अगेन फाइव मिनट्स इज अगे टू कॉन्स्टेंट एवरेज कितना हो जाएगा इनका फिफ्टी फोर कितना फिफ्टी सेवन आ रहा है एवरेज डिफरेंस है इनके बीच का छः तो, तो तीन ऐड कर रहा है फिफ्टी सेवन माइनस टी एस देखो भाई ये सेकेंड इक्वेशन आ गई देखो देखो भाई है ना तो ठीक है अब कुछ नहीं डिवाइड कर दो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड से कर दो अपन को टीएस निकालना है तो फर्स्ट इज़ टेन फाइव से फाइव कट गया और ये सिक्सटी माइनस फिफ्टी फोर इज सिक्स इज इक्वल टू के से के कटा या यारिक्सटी फाइव माइनस टी एस इज इक्वल टू फिफ्टी सेवन माइनस टी एस तो अब बस इसको सॉल्व करना है अब टी एस अकेला बचा है दो से कटा तीन दो से कटा पाँच तो तीन को मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे तो आ जाएगा दोबारा थ्री इन फाइव तुम्हारा आ रहा है मतलब कि पाँच हाथ से लाई एक उन्नीस कैलकुलेशन चेक करते चलना बस मैं ना थ्री टी एस फाइव से करेंगे तो सात पन्द्रह पैंतीस ही पाँच हाथ से लाई तीन पच्चीस और तीन अट्ठाईस माइनस फाइव टी एस तो फाइव टी एस इधर लेके आ गए फाइव टी एस माइनस थ्री टी एस टू टी एस और ये आ गया तुम्हारा टू एटी फाइव माइनस वन नाइन्टी फाइव तो 185 माइनस करते तो 100 आता ठीक है 185 एटी फाइव माइनस करते तो हंड्रेड आता वन नाइनटी फाइव माइनस करें तो 90 आ जाएगा तो टी एस तुम्हारा निकल के आ गया 45 डिग्री सेल्सियस देखो ये ऑप्शन में है क्या टी एस आया 45 डिग्री सेल्सियस है ऑप्शन में आंसर ही देख लो भाई तो सेम ही चीज लगाइए देखो है ना इसलिए मैं बताऊँ तो, न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग तो सभी को आना चाहिए फ्री का नंबर है भाई ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आसान है इंपॉर्टेंट है सभी को आना चाहिए न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग देखो किसी को डाउट है तो सो द आंसर इज ए चलो अभी तुम कर लेना है ना सिमिलर क्वेश्चन है ना बिल्कुल सिमिलर है कर लेना है ना। चलो सोलर कॉन्स्टेंट इनको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा ये जितने भी है ना ये जो पहले सॉल्व करे इसका पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा नीट अंडर स्कोर फिजिक्स है ना ये टेलीग्राम चैनल है इसको कर लेना फॉलो इसमें मैं तुम्हें पूरा पीडीएफ दे दूंगा ठीक है और उसमें मैं लिंक भी दे दूंगा क्रैश कोर्स के है नो क्रैश कोर्स है फोर हंड्रेड का है सभी लोग ज्वाइन कर लेना है ना मतलब इट इज़ हाईली रिकमेंडेड अगर किसी बच्चे ने अभी तक नहीं कराया ज्वाइन तो हाईली रिकमेंडेड कि भाई उसको जरूर ज्वाइन कर लेना है ना देखो है ना ये वाला क्रैश कोर्स है तुम्हारा है ना ये देख लेना अगर नहीं कराया तो ना क्योंकि कंप्लीट नीट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री वालों के लिए है ना कंप्लीट एलेवन ट्वेल्थ का रिवीजन होगा दो घंटे में हर रोज तुम्हें तो रिवाइज करूँगा पूरी थेरी प्रॉपर उसके बाद तुम्हारा डेढ़ घंटे का न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन होगा जो अवैसर लेंगे ना रिवीजन में कराऊंगा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन अवैसर लेंगे ना ठीक है फोर नाइनटी नाइन रुपीज़ का है इस पर अगर तुम तो फिजिक्स लाइव कोड यूज़ करोगे तो ट्वेंटी परसेंट ऑफ मिल जाएगा ठीक है कल से स्टार्ट हो रहा है बीस मार्च से स्टार्ट हो रहा है देख लेना बीस मार्च से अपन स्टार्ट कर रहे थे सिक्स फिफ्टीन पी एम टू एट फिफ्टीन पीएम मेरी क्लास होगी हर क्लास के बाद तुम्हें नोट्स मिलेंगे नोट्स बनाने नहीं है नोट्स मैं ही प्रोवाइड करूँगा सारे के सारे फिजिक्स ऑलिक पॉइंट्स है ना है ना लास्ट ईयर मेरे चार स्टूडेंट्स बन एटी आउट बन एटी लाए थे और चारों ने एक बात बोली थी कि फिजिक्स से पॉइंट्स ने उनकी गलती होने से बचाए थे तो वो पूरे के पूरे तुम्हें दिए जाएंगे फिजिक्स से पॉइंट्स है ना नाइन टू टेन थर्टी पी एम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन चलेगा अभी सर जेई मेन के पी बाई की करवाएंगे तुमको वो भी बार बार रिपीट होते हैं फिर फिजिक्स कॉलेज का रैंक बूस्टर पैकेज मिलेगा ना मार्केट की जितनी भी घटिया किताबें हैं और जो यूट्यूबर व्यूटूबर मटेरियल वो करने की जरूरत नहीं है तुम्हें है ना खुद मेरे फैकल्टीज़ ने जो मटेरियल डिजाइन कराया ना पिछले तीन साल से जो मेरे स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं वो मटेरियल तुमको मिलने वाला है है ना प्रॉपर सॉल्यूशंस है ना डीपीपी पी पी मिलेंगे विध प्रॉर वीडियो सॉल्यूशन मॉक टेस्ट होंगे फोर नाइनटी नाइन रुपीजी प्राइस मतलब फ्री का क्रैश कोर्स फ्री है पैसा नहीं है एक्चुअली में ये बस इसलिए रखा है कि हर कोई ना आ जाए तो फोर नाइन्टी नाइन है ट्वेंटी परसेंट ऑफ करोगे तो चार सौ रुपये का आ जाएगा ना चार सौ रुपये का क्रैश कोर्स है तुम्हारा थ्री नाइन्टी नाइन का ना इसकी लिंक मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ना तो मतलब फिजिक्स तुम्हारी पूरी तैयार तो हो जाएगी नी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री नी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं याद रखना क्योंकि अगले बीस दिन में उनका इलेवेथ का पूरा रिविजन हो जाएगा इसके साथ अगले बीस दिन में इलेवन का रिवीज़न हो जाएगा उनका अच्छा भैया जो कहाँ था सोलर कॉन्स्टिटे चल रहा था ना हाँ तो सोलर कॉन्स्टेंट क्या होता है सोलर कॉन्स्टेंट सोलर कॉन्स्टेंट इज द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट एट द सर्फेस ऑफ अर्थ सन की सोलर कॉन्स्टेंट का मतलब होता है जो सनलाइट है ये सन है सन की लाइट जब अर्थ पे पहुंचती है है ना तो उसकी इंटेंसिटी उसकी इंटेंसिटी होती है तो क्या हो जाएगी तुम्हारी इंटेंसिटी हो क्या जाएगी जो सनलाइट अर्थ पे आएगी उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी तुम्हारी तो देखो पावर इमिटेड सन को अपन ब्लैक बॉडी मान के चलते हैं याद रखना सन इज कंसिडर्ड एज ब्लैक बॉडी और ब्लैक बॉडी की इमेसिविटी बन होती है तो वॉट इज द पावर रेडिएटेड बाई द सन ये हमारा निकल के आएगा सिग्मा ई इज वन एरिया ऑफ द सन विच इज पाई इन टू फोर पाई आर एस पावर फोर आर एस इज द रेडियस ऑफ द सन आर एस तुम्हारी सन की रेडियस है ना सन की रेडियस है आर एस तो पावर होती है तुम्हारी सिग्मा ई ए टी पावर फोर है ना आर एस पावर फोर लिख दिया आर एस स्क्वायर होगा भाई एरिया है ना तुम्हारा तो होगा, फोर पाई आर स्क्वायर है ना? पा आर स्क्वा टी क्या है टेंपरेचर ऑफ तो सन को ब्लैक बॉडी मान के चलते सन अपनी एक ब्लैक बॉडी है इट इज अ प्लाज्मा तो तुम्हारी पावर इमिटेड बाय द सन है ना तो जो इंटेंसिटी यहां पे पहुंचेगी वो लाइट की क्या होगी इंटेंसिटी क्या होती है तुम्हारी इंटेंसिटी इज पावर बाय एरिया एरिया कौन सा इस वेव फ्रंट का एरिया है ना एरिया कौन सा इस वेव फ्रंट का एरिया तो ये आ जाएगा तुम्हारा तो सिग्मा फोर पाए आर एस स्क्वायर इंटू टी एस पावर फोर और एरिया कितना होगा हमारा इसका सोचो अगर सन का अर्थ से डिस्टेंस है स्मॉल आर सन का अर्थ से हमारा डिस्टेंस है मान लो स्मॉल आर तो एरिया कितना हो जाएगा बताओ कितना एरिया हो जाएगा वो सोचो तो एक स्फीयर में जो तो है ना जो लाइट है वो स्फीयर की तरी तो निकल रही है पूरी तो फोर पाए स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा ठीक है तो तुम्हारा सोलर कांस्टेंट निकल के आ रहा है सिग्मा इंटू आर एस स्क्वायर इंटू टी एस पावर फोर बाय स्मॉल आर स्क्वायर ये तुम्हारा सोलर कांस्टेंट निकल के आ गया ना देख लो तो सोलर कांस्टेंट क्या है इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट सूरज की जो लाइट आ रही है इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ अर्थ पे जब वो पहुंच रही है तो सिग्मा आर एस स्क्वायर आर एस इज द रेडियस ऑफ द सन है ना टी एस इज द टेम्परेचर ऑफ द सन आर क्या है स्मॉल आर ये आर के मतलब पता होने चाहिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके सन की रेडियस के स्क्वायर के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ सन और अर्थ के सेंटर के बीच का जो तो डिस्टेंस है दैट इज योर स्मॉल आर ठीक है तो देख लो ये फॉर्मुला याद होना चाहिए ना इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट एट द सर्फेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सोलर कॉन्स्टेंट इसको हम एस से दिखाते हैं चलो सपोज द सन सो दैट इट्स रेडियस बिकम्स हंड्रेड टाइम्स ठीक है इट्स प्रेजेंट रेडियस एंड इट्स सर्फेस टेम्परेचर बिकम्स हाफ ऑफ द टेम्परेचर वैल्यू द टोटल एनर्जी इमिटेड बाई इट देन विल इंक्रीज फैक्टर ऑफ करो भाई तो सन तुम्हारी ब्लैक बॉडी है उसकी रेडियस इन्होंने हंड्रेड टाइम्स कर दी और टेम्परेचर आधा कर दिया है।, है ना रेडियस हंड्रेड टाइम्स हो गई है एंड टेम्परेचर तुम्हारा आधा हो गया है बताओ क्या होगा हो गया बी चलो कोई और तो देखो भाई पावर क्या होती है तुम्हारी ब्लैक बॉडी की पावर लिमिटेड इज सिग्मा ए टी पावर फोर ए इज पाई आर स्क्वायर टी पावर फोर तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर इनटू टी पावर फोर तो अब तुमने क्या करा है रेडियस तुमने हंड्रेड टाइम्स कर दिए और टेम्परेचर तुमने आधा कर दिया है तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 100 टेन पावर टू पावर टू टेन पावर टू पावर टू इज टेन पावर फोर डिवाइडेड बाई वन पावर वन बाई टू पावर फोर इज़ वन बाई सिक्सटीन ये आ रहा है तुम्हारा है ना तो तुम्हारा आ गया टेन थाउजेंड बाई सिक्सटीन तो काट लो और क्या अरे खत्म करो इसको, काटा पीटी करो इसकी और क्या है तो देखो इसको चार से काटेंगे तो चार आएगा चार से काटेंगे पच्चीस आएगा है ना फिर पच्चीस सौ है फिर ये ये भी सो है इस सो को भी चार से काटेंगे तो पच्चीस आएगा तो पच्चीस इंटू पच्चीस छः सौ पच्चीस है ना सो इंटू सौ है ना दस हजार मतलब सौ इंटू सो तो पच्चीस इंटू पच्चीस छः सौ पच्चीस इज इंसर देखो वो सोलर कॉन्स्टेंट पर क्वेश्चन है इंटेंसिटी ऑफ ओवर अज्यूमिंग सन टू हैव ए स्फेरिकल आउटर सर्फेस रेडियस ऑफ स्मॉल आर अब ध्यान रखना है यहां पे मतलब है ना टेकिंग रेडिएटिंग लाइक अ ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस द पावर रिसीव बाय अ यूनिट सरफेस नॉर्मल टू द इंसिडेंट रेज एट ए डिस्टेंस कैपिटल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन इज वेर सिग्मा इज द स्टेफेंस क्वेश्चन ध्यान से करना है क्वेश्चन क्वेश्चन में उन्होंने जो सिंबल डिफाइन करे हैं उनको ध्यान से देखो उन्होंने क्या डिफाइन करा है है ना तो जो सिंबल अपन यूज करते हैं जरूर नहीं है क्वेश्चन में भाई यूज करे जाए एग्जामिनर कुछ भी यूज कर सकता है उसके पास फ्रीडम है तो बताओ क्या होगा <coughs> हम्म तो देखो यहाँ पे क्या है अभी अपने सोलर कॉन्स्टेंट निकाला था सोलर कॉन्स्टेंट अपना क्या था सिग्मा आर एस स्क्वायर बाय डिस्टेंस स्क्वायर इन टू टेम्परेचर पावर फोर अब यहाँ पे उन्होंने सन की रेडियस क्या दे रखी है यहाँ पे सन की रेडियस स्मॉल आर दी है उन्होंने और जो डिस्टेंस है उसको कैपिटल आर दिया है एक्चुअली आर एस ये है और स्मॉल आर ये है उनका और इन्होंने सेल्सियस में दिया है टेम्परेचर तो केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो ये है तुम्हारा आंसर सिग्मा आर स्क्वायर बाय टी प्लस टू सेवेंटी थ्री है ना है ना तो अच्छे खासे कंफ्यूजिंग ऑप्शन बनाए तो तुम्हें जब एग्जैक्ट पता होगा तभी तुम कर पाओगे सो दिस इज द आंसर डी इज द आंसर देखो डी इज यो आंसर है ना ठीक है पावर ऑफ सनलाइट वॉलिंग ऑन द सर्विस ऑफ अर्थ टेम्परेचर ऑफ द सन इज डबल द रेट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ विल इंक्रीज बायक्टर ऑफ अगर सन का टेम्परेचर डबल कर दे तो अर्थ पे जो पावर आती है अभी अर्थ की है ना अर्थ सन की जो एनर्जी आती, आती है जो पावर आती है है ना उसके साथ क्या हुआ बहुत आसान क्वेश्चन है देखो तो पावर रिसीव्ड ऑन अर्थ इज नथिंग बट सोलर कांस्टेंट इन्ट। इनटू पाई इनटू आर ई स्क्वायर सिंपल है ना अर्थ की रेडियस मान लो आ रही है तो पाई आर ई स्क्वायर हो जाएगा ना टू पाई आर ई स्क्वायर नहीं होगा ये भी मिसकॉन्सैप्शन है अगर ये आ रही है तो सन की जो लाइट अर्थ पे आ रही है वो आर ई रेडियस की आ रही है ना तो इस डिस्क का एरिया पाई आर ई स्क्वायर है इतने क्रॉस सेक्शन एरिया की लाइट अर्थ पे गिर रही है तो अर्थ का एरिया फोर पाई आर स्क्वायर है वो मैटर नहीं करता जो लाइट सन की लाइट गिर रही है उसका एरिया मैटर करता है उसका एरिया पाई आर स्क्वायर है तो सोलर कॉन्सेंट को पाई आर ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन और अर्थ का एरिया तो चेंज ही नहीं हो रहा बाय द वे तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन द सोलर कॉन्स्टेंट और सोलर कॉन्स्टेंट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर पावर फोर तो टेंपरेचर को डबल कर रहे हो तो टू की पावर फोर इज सिक्सटीन तो आंसर इज सिंपली डी ठीक है चलो रेडिएशन फ्रॉम द सन सरफेस वेरीज एज द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर द सन इज नॉट ए ब्लैक बॉडी बता दो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है यार कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बेसिक सी बातें अगर याद है तो पूरा टॉपिक तैयार हो जाता है तुम्हारा बेसिक सी बातें अगर याद हो तो पूरा चैप्टर तैयार हो जाता है अपना बताओ क्या होगा चलो जाओ क्या बोल रहे हैं रेडिएशन फ्रॉम द सन सरफेस बेरीज एज द फोर्थ पावर तो बिल्कुल सही बात है पावर इमिटेड इज टी पावर फोर सन इज नॉट अ ब्लैक बॉडी गलत बात है तो आंसर इज सी किसने कहा सन तो ब्लैक बॉडी है ना यही तो ऑब्जॉर्मेशन लिया था अपन ने सन इज अ ब्लैक बॉडी परस्पिरेशन फ्रॉम ह्यूमन बॉडी हेल्प्स इन कूलिंग द बॉडी अ थिन लेयर ऑफ वाटर ऑन द स्किन इनहेंसिस इट्स इमिसिबिटी बताओ तो ये वाली बात तो सही है भाई परस्पिरेशन जो अपन करते हैं जो पसीना आता है उसका रीज़न ही है कि वो बॉडी को ठंडा करता है ना हीट को अपन बॉडी की हीट परा ही होगा बायो वाले हो ना बॉडी की हीट को बाहर निकाल रहे हैं पर ये इमिसिविटी को बता देता है ऐसा तो कोई रीज़न नहीं है ना ऐसा तो कभी नहीं है कि इमिसिविटी बढ़ा दे इमिसिविटी तो बिल्कुल अलग चीज़ है इसका हीट ट्रांसफर से कोई रिलेशन ही ये बायो का है है ना मतलब इसका फिजिक्स से रीज़न नहीं है मतलब फिजिक्स से तो बस इतना बोल सकते हो कि अंदर की हीट बाहर निकालती इट इज़ मैन बायोलॉजी है ना तुम्हारी बॉडी की है ना अगर भाई तुम्हारी स्किन इस, का टेम्परेचर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है तो बॉडी का टेम्परेचर कम करने के लिए इट लूज द हीट आउट इन फॉर्म ऑफ वाटर एमएसए पावर तो एमएसए पावर क्या होती है किसी भी बॉडी की कोई ब्लैक बॉडी की एमएसए पावर होती है कि कितनी पावर वो इमिट कर रहा है पावर इमिटेड पर यूनिट एरिया है ना पर यूनिट एरिया ये हो जाएगा एम पावर इज पावर इमिटेड पर यूनिट एरिया तो उसके अगर बॉडी का एरिया मान लो जैसे बॉडी है इसकी रेडियस आर है तो इमिटेड पावर इसकी हो जाएगी है ना हाँ बॉडी कितनी पावर इमिट कर रही है ना यही होती है तुम्हारी पावर कि पावर इमिटेड पर यूनिट एरिया पर इसको इंटेंसिटी नहीं बोलेंगे अपन पावर इज योर पावर तुम्हारा क्या है एनर्जी पर यूनिट टाइम है ना पर ये पावर वाई एरिया इंटेंसिटी नहीं कहलाएगी इस एमएस पावर का यूनिट तुम्हारा जरूर इंटेंसिटी का है इसका यूनिट आएगा वॉट पर मीटर स्क्वायर इसको हम बोलते हैं इमें से पावर है और इसका यूनिट इंटेंसिटी का है, पर ना तो ये पावर है ना इंटेंसिटी है क्योंकि इंटेंसिटी होती है कि कितनी पावर आपके एक यूनिट एरिया में गिरी यहां पे हम बात कर रहे हैं कि बॉडी का पर यूनिट एरिया कितनी पावर निकाल रहा है तो वो हो जाएगा सिग्मा ए so सिग्मा ई ई ए ए टी टी पावर पावर बाय दैट इज और ब्लैक बॉडी के लिए ई बन हो जाएगा तुम्हारे तो, तो, तो से से पावर तुम्हारी निकल के आ गई सिग्मा ई टी पावर फोर देख लो द बॉडी इज ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कर लेना वींस डिस्प्लेसमेंट लॉ ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम अगर हम बनाते हैं है ना टेम्परेचर है ना कि भाई किस सॉरी वेवलेंथ के ना? है ना किस वेवलेंथ की कितनी एनर्जी निकलेगी है ना किस वेवलेंथ की कितनी एनर्जी हमारी निकलेगी है ना जब अपन ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो हम देखते हैं यार कि एक एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक एम आता है एम मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है एम वो वेवलेंथ है जिसपे मैक्सिमम मैक्सिमम तुम्हारी एनर्जी बाहर निकल रही है तो यहाँ पे ये होता है एक्सपेरिमेंटल देखा है लेमडा एम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी और इसका जो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सटेंट है दैट इज बी बी वीन इस से डिस्प्लेसमेंट लो इसमें बहुत क्वेश्चन बनते तो तुम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ाओगे लेमडा एम कम होगा मतलब पीक तुम्हारा लेफ्ट में शिफ्ट करेगा एज टेम्परेचर इंक्रीजेस लेमडा एम डिक्रीजेस एंड पीक ये जो पीक आ रहा है ये लेफ्ट में जाएगा तुम्हारा चलो करो भाई बी कंसिडर रेडिएशन इमिटेड बाई ह्यूमन बॉडी विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू द रेडिएशन इमिटेड द रे है द रेडिएशन इज इमिटेड ड्यूरिंग द समर्स एंड द एब्सॉर्ब डिंग द विंटर्स द रेडिएशन इमिटेड लाइज इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन एंड हैंस इज नॉट विजिबल द रेडिएशन इमिटेज इन द इन्फ्रेट रीजन द रेडिएशन इज इमिटेड ओनली ड्यूरिंग द डे करो भाई तो सही भी तुम कर सकते हो या फिर तुम गलत को एलिमिनेट कर सकते हो ये सब नोट्स में अपन ने पढ़े हुए हैं सारी बातें है ना नोट्स में हर चीज़ कवर करी हुई है तो देखो पहले तो बोल रहे हैं रेडिएशन इज रिमिटेड ड्यूरिंग द समर एंड एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द ये गलत है प्रिवर्स थियरी ऑफ हीट एक्सचेंज क्या बोलता है प्रिवर्स ऑफ हीट एक्सचेंज फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा टेम्परेचर क्या है सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है बाहर गर्मी या ठंडी फर्क नहीं पड़ता हर बॉडी हर टेम्परेचर पे रेडिएशन और एब्जॉर्बशन दोनों करती है ये एक डायनामिक प्रोसेस है है ना प्रिवर्स ऑफ हीट एक्सचेंज उससे गलत है ये रेडिएशन इमिटेड ओनली ड्यूरिंग द डे ये भी गलत है रेडिएशन इमिटेड इज इन द इंफ्रा रेड रीजन ये सही है क्योंकि हमारी दुनिया तीन सौ कैलविन पर चलती है है ना अल्ट्रावाट में नहीं हमारी दुनिया तीन सौ कैलविन पर चलती है इसलिए हमारी दुनिया में हीट को अपन इंफ्रा रेड से रिलेट करते हैं ना जो तुम्हारे नाइट विजन कैमरा होते हैं है ना या, या फिर वो है ना जेम्स बॉन्ड के ग्लासेस होते थे वो सब क्या करते थे इन्फ्रा रेड रेस को डिटेक्ट करते हैं ना क्योंकि हमारी दुनिया चलती है 300 सौ कैलविन टेम्परेचर पर अगर तुम लेमडा एम निकालोगे बी वाई टी करके तो ये इन्फ्रा रेड रीजन में आएगा टी को तुम 300 हंड्रेड रखोगे तो ये आई रीजन निकल के आता है मतलब हमारी दुनिया में 300 सौ कैलविन पर तीन सौ कैलविन टेम्परेचर पर हमारी दुनिया चलती है लगभग इसके अराउंड तो उसमें जो मैक्सिमम रेडिएशन हो रहा है जो मैक्सिमम एनर्जी निकल रही है वो इंफ्रा रेड रीजन में निकल रही है इसलिए हीट को हम इंफ्रा रेड से रिलेट करते हैं इसलिए हीट को हम इंफ्रा रेड से रिलेट करते हैं ठीक है करो भाई

तो स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में रेडिएशन तुम्हारा हो रहा है इन्फ्रा रीजन में तो हमको दिख नहीं रहा इंफ्रा से अगर मैं वेवलेंथ कम करूंगा तो रेड हो जाता है टेम्परेचर बढ़ा वेवलेंथ कम हुई तो अब रेड दिखने लगता है इसलिए अपन को ना रेड हो गया और टेम्परेचर कम करके व्हाइटिश हो जाएगा क्योंकि अब मिक्सचर ऑफ लाइट निकल रही है ना रेड से बाइलेट तक तो सारी लाइट निकली इसलिए वो वाइट हो जाता है ना पहले रेड होता है फिर रेडिश येलोइश होता है फिर वाइट हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है वेवलेंथ कम हो रही है वाइट इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब बताएं सिर्फ वायलेट अकेली निकले वायलेट के साथ रेड वगैरह भी निकल रही हैं इसलिए वाइट हो रहा है मिक्सचर है वो उन सबका तो ये थोड़ा सा मतलब अजीब सा क्वेश्चन है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस ग्रेजुअली इट इट्स कलर बिकम्स रेड येलो वाइट ग्रीन क्योंकि ये इसलिए है कि भाई वो तो धीरे धीरे है ना यार वो मतलब प्रोसेस है पहले वो रेड होता है फिर येलोइश होता है फिर वाइटिश होता है तो अजीब सा क्वेश्चन है वह ना फर्जी क्वेश्चन है लैंग्वेज सही नहीं है क्वेश्चन की करो शॉन बिलो आर द्लॉक ब्लैक बॉडी रेडिएशन एट टेम्परेचर टी वन एंड टी टू टी टू इज ग्रेटर देन टी विच द फॉलोइंग प्लॉट्स इज़ करेक्ट। करो भाई। कर, बहुत हल्के सा डिफरेंस है वो तुम्हें देखना पड़ेगा तो देखो भाई सबसे पहले उनको थोड़ा सा ज्यादा डिफेंस बना ला डिफेंस कम बनाया है पर दिख तो रहा है दिख तो रहा है देखो करो चलो तुम करो पहले तुम आंसर दे लो हाँ तो देखो लेमडा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी तो टी टू ज्यादा है मतलब लेमडा एम टू इज लेस देन लेमडा एम वन इंटरसेक्ट तो कभी करते ही नहीं है ये तो गलत है याद रखना ये वाले कर्व्स जो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम होता है यहाँ पे तुम्हारा इंटरसेक्शन तो कभी भी नहीं हो रहा है ठीक है तो लेमडा एम टू सेकेंड वाले का कम होना चाहिए है ना तो देखो यहाँ पे सेकेंड वाले का ये आ रहा है लेमडा एम टू और लेमडा एम वन इधर आ रहा है तो ये गलत है क्योंकि लेमडा एम टू कम होना चाहिए यहां पे देखो पीक ये लेमडा एम टू है और ये तुम्हारा लेमडा एम वन है सो सी इज द आंसर सी इज यो आंसर A black body is at a temperature of 5760 Kelvin. The energy of radiation emitted by the body at wavelength 250 nanometer is U1, at wavelength 500 nanometer is U2, and that at 1000 nanometer is U3. Wien's displacement is this. Which of the following is correct? अच्छा क्वेश्चन है ना तो इसमें तुम्हें तो ग्राफ बना के थोड़ा अच्छे ढंग से मतलब तो थोड़ा अच्छे ढंग से देखना पड़ेगा तब समझ पाओगे तुम इसको देखो है ना सबसे पहले तो तुम्हें लेमड एम निकालो इस टेम्परेचर पे लेमडा एम कहां आएगा ना इस टेम्परेचर पर लेमडा एम कहां मिलेगा ये निकालना है तुम्हें तो देखो लेमडा एम तुम्हारा होता है बी बाई टी बी की बोली होती है पांच छह सात आठ फाइव पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन पावर माइनस एट टेम्परेचर तुम्हारा आ रहा है फाइव सेवन सिक्स जीरो ठीक है तो अब देखो इस टेम्परेचर पे तुम्हारा लेमड एम किसके बराबर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली तो इसको तुम लिख सकते हो अगर इसमें तुम हज़ार जोड़ दो तो इधर पे आ जाएगा टेन पावर माइनस एलेवन है ना और ये कट गया तुम्हारा फाइव सिक्स सेवन जीरो बाई फाइव सेवन सिक्स जीरो काट दो इनको है ना मान लो कट गए तो वेबलेन्थ आ रही है तुम्हारी टेन पावर माइनस इलेवन टेन पावर माइनस इलेवन मतलब हंड्रेड नैनोमीटर आ रहा है तुम्हारा देखो तो तुम्हारी हंड्रेड नैनोमीटर में अच्छा बी की वैल्यू इन्होंने टू दे दी अच्छा मैंने बी की वैल्यू गलत ले ली अच्छा मैंने सिगमा की वैल्यू ले, ले ली यार पूरा गलत हो गया सिग्मा की ले लेंगे देखो तो तुम्हें सबसे पहले तो लेमडा एम निकालना है लेमडा एम इज योर बी बाई टी तो ये है तुम्हारा 2.88 पॉइंट एट एट इंटू टेन पावर सिक्स नैनोमीटर में खुद ही दे दिया इन्होंने कैलविन बाय पाँच सात छः जीरो कैलविन तो कैलविन से कैलविन गया तुम्हारा है ना तो तुम्हारा देखो क्या आ रहा है इसको कटेंगे इसका टू एटी एट का डबल है ये तो टू और टू थाउजेंड हो गया ये टू थाउजेंड से डिवाइड करा तो लेमडा एम तुम्हारा निकल के आ गया देखो पाँच सौ नैनोमीटर ये निकल के आ रहा है हज़ार से हज़ार के हज़ार भाई दो पाँच सौ निनो निकल के आ रहा है तो सबसे पहले ये देख लो मतलब पाँच सौ नैनोमीटर ने, पर मैक्सिमम एनर्जी निकलने वाली है तब ये बोल रहे हैं टू हंड्रेड फिफ्टी निनोमीटर पर यूवन एनर्जी निकल रही है है ना एंड यू टू निकल रही है तुम्हारी थाउजेंड नैनोमीटर पर Osionfish. देख लो ये पहले सही कराया ना पहले तो लेम डैम बाई टी फाइव सेवन सिक्स जीरो है ना तो ढाई सौ ढाई सौ दे रखा है उन्होंने थाउजेंड नैनोमीटर दे रखा है तो इन दोनों में कंफेयर करना है तो देखो तो तो ये ग्राफ तुम्हारा कैसा जाता है इस ग्राफ को बनाओ तो ये ग्राफ तुम्हारा ऐसा जाता है देखो तो तो ये तुम्हारा पाँच सौ निनोमीटर है ये पाँच सौ है तो ये ढाई सौ है ये साढ़े सात सौ है और ये तुम्हारा हजार है तो, तो हजार नैनोमीटर पर जो आ रहा है तुम्हारा है ना हज़ार नैनोमीटर पे तुम्हारी जो एनर्जी आ रही है वो इन्होंने बोली है यू है हजार नैनोमीटर नैनोमीटर पर तुम्हारी एनर्जी निकल रही है वो यू है और तुम्हारी ढाई नैनोमीटर पर जो एनर्जी निकल रही है दैट इज यूवन तो क्लियरली देख रहा है तुम्हें ग्राफ से है ना क्योंकि तुम्हारा ग्राफ सिमेट्रिक नहीं होता तो इन्होंने ये पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट तो तुम्हारा क्लियरली आ रहा है कि यू वन इज ग्रेटर देन सो आंसर इज बी तुम्हारा यूवन यू टू से ज्यादा होगा सो आंसर इज बी सीधे रखा है कुछ गड़बड़ कर दी रुको भाई ए ब्लैक बॉडी इज एट ए टेम्परेचर ऑफ फाइव सेवन जीरो अच्छा अच्छा कुछ गलत पढ़ा है पन्ने रुको टू फिफ्टी नैनोमीटर यू वन पे है एंड फाइव हंड्रेड नैनोमीटर पे यू टू है एंड थाउजेंड नैनोमीटर पे यू थ्री और यू थ्री का तो डेटा ही नहीं है रुक जाओ अपन ने गलत लिख लिया है ना यू टू फाइव हंड्रेड नैनोमीटर पर है ये वाला तो डेटा ही नहीं है तो बे मतलब दे रखा है था। थाउजेंड वाला तो है ही नहीं डेटा ही नहीं है थाउजेंड वाला तो यू टू उन्होंने बोला है 500 सौ नैनोमीटर पर यह है तुम्हारा यू तो ऑफकोर्स पाँच सौ नैनोमीटर तो इनका लेम एम आ रहा है तो लेम एम पे तो मैक्सिमम एनर्जी निकलती है पाँच सौ नैनोमीटर तुम्हारा लेम एम है और लेम एम पे तो मैक्सिमम एनर्जी निकलती है तो आंसर इज सी है C. ना क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था तो आंसर इज सी है ना तुम्हारा फाइव हंड्रेड ननोमीटर पर यू टू निकल रही है तुम्हारी क्लियर है क्या देख लो भाई और यू थ्री का तो अच्छा यू थ्री का यहाँ पे दिया हुआ है ना खैर यू थ्री जीरो तो नहीं होगा वो भी गलती है ना ठीक है तो यहाँ पे यू टू सबसे ज़्यादा होगा अगर ये पूरा ऑर्डर भी दे देते दे, तो यू टू सबसे ज़्यादा है फिर यू वन है और यू थ्री सबसे कम है थाउजेंड नैनोमीटर पर तुम्हारी सबसे कम एनर्जी आएगी अगर ये पूरा भी देते तो यू टू ग्रेटर देन यू वन ग्रेटर देन यू थ्री ठीक है चलो चल करो भाई अपना है ना लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक अपना हो भी गया समय भी हो ही चुका है अपना दो क्वेश्चन और कर लेते हैं <coughs> हो जाएगा ऑन ऑब्जर्विंग लाइट फ्रॉम थ्री डिफरेंट स्टार्स पी क्यू आर इट वॉज फाउंड दैट इंटेंसिटी ऑफ वायलेट कलर इज मैक्सिमम इन द स्पेक्ट्रम ऑफ पी द इंटेंसिटी ऑफ ग्रीन कलर इज मैक्सिमम इन द स्पेक्ट्रम ऑफ आर एंड द इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम इन द स्पेक्ट्रम ऑफ क्यू इफ़ टी पी टी क्यू टी यू आर द रिस्पेक्टिवल आर रिस्पेक्टिव एबसल्यूट टेम्परेचर्स ऑफ पी क्यू एंड आर देन इट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द अब ऑब्जर्वेशंस दैट बताओ टी पी टी क्यू टी आर में तुम्हें रिलेशन बताना है करो तो बस विजिबल स्पेक्ट्रम पता होना चाहिए किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है किसकी कम होती है और बीनस डिस्प्लेसमेंट लॉ हमको लगाना है ये दो चीज़ें लगाएंगे तो हो जाएगा B. चलो देखो देखो कौन कौन से कलर बोले वायलेट आ रहा है पी पे ग्रीन आ रहा है और रेड आ रहा है तो हम सभी को पता है यार तो वायलिम ऑफ पी इंटेंसिटी ऑफ ग्रीन कलर इज मैक्सिम इन द स्पेक्ट्रम ऑफ आर एंड एंड द इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम इन द स्पेक्ट्रम ऑफ क्यू तो लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू टी तो P वाले का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा फिर R वाले का होगा और फिर Q वाले का होगा जिसका लैम्डा कम है उसका टेम्परेचर ज्यादा है तो टीपी ग्रेटर आंसर देखो, B द आंसर B तुम्हारा आंसर आ रहा है देखो ठीक है चलो भाई ब्लैक बॉडी एट इज मैक्मसिटी दिस इफ द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय दिस करो भाई इसे द मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी ऑब्जर्व एट अगेन बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पे क्वेश्चन हाँ टी का ऑर्डर लेमडा का उल्टा होगा टी का ऑर्डर लेमडा का उल्टा होगा हो गया? आसान सा क्वेश्चन है बस सब कुछ ऐसा ही यूनिट में करना हो तो ये ध्यान रखना कि पहले अपन को कैलविन में कन्वर्ट करना है कैलविन में कन्वर्ट करने के बाद ही कुछ होगा अगर कैलविन में कन्वर्ट नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा हो गया चलो देखो तो ब्लैक बॉडी इतना बोल रहे थे तो इसका कैलविन में करेंगे तो फिफ्टीन हंड्रेड कैल्विन है ठीक है एंड लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी तो लेमडा टू बाई लेमडा वन इज इक्वल टू टी टू बाई टी वन एट टी वन बाई टी टू ठीक है तो बोल रहे हैं द मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी ऑब्जर्व एट विच वेवलेंथ है ना तो ठीक तो है तो इनिशियल वेवलेंथ तुम्हारी है फाइव थाउजेंड एक्स्ट्रॉम और नई वाली तुम्हें निकालनी है लेमडा टू तुम्हें निकालना है और इनिशियल टेम्परेचर है तुम्हारा हज़ार कैलवे नहीं डेढ़ हज़ार कैलविन इनिशियल टेम्परेचर इज डेढ़ हज़ार कैलवे और थाउजेंड डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया मतलब थाउजेंड कैलविन बढ़ाया तो टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड कैलविन हो गया तुम्हारा ठीक है तो तुम्हारा आ जाएगा पाँच से काटेंगे तो पाँच से काटा तीन पाँच से काटा पाँच ठीक है पाँच से इसको काटा तो हज़ार आ गया तो लेमडा टू मेरा निकल के आ गया थ्री थाउजेंड एंडस्ट्रॉन्ग तो अगर तुमने थाउजेंड डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया तो अब जो मैक्सिमम मैक्सिमम इंटेंसिटी निकलेगी वो थ्री थाउजेंड एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ पे निकलेगी टेम्परेचर बढ़ाया तो वेवलेंथ कम होगी और वैसे ऐसे भी कर सकते थे कि फाइव थाउजेंड से कम आना है तुम्हारा आंसर फाइव थाउजेंड कम आएगा तो दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे तो तुम बी और सी पर इन दोनों को सॉल्व करने के लिए तो सॉल्व करना ही पड़ेगा ना है ना ए और डी में सबसे तो तुम्हें निकालना पड़ेगा सॉल्व करके टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ तो कम होगी है ना जिस वेवलेंथ पे मैक्सिमम रेडिएशन हो रहा है मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी आ रही है चलो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हटाओ इसे वीन एक्सप्रेस रिलेशन बिटवीन ये भी हो गया ये बहुत आसान क्वेश्चन है खुद से कर लेना है ना देखो सब बहुत आसान आसान है चलो ये कर लो द सन इमिट से लाइट विद मैक्सिमम वेवलेंथ 510 नैनोमीटर वाइल अनादर स्टार एक्स इमिट से लाइट थ मैक्सिमम वेबलैथ ऑफ थ्री हंड्रेड फिफ्टीन एनीमीटर इंडियन इन्होंने लैंग्वेज भी गलत लिखी है लैंग्वेज गलत लिखी है मैक्सीम वेबलैन नहीं है वो है ना वो समझो घने लोग लैंग्वेज गलत लिखी है मैक्ममम वेबलैन नहीं है वो बोलना चाह रहे हैं वेबलैन दैट विच मैक्मम रेडिएशन अकर्स है occurs, ना लैंग्वेज गलत है क्वेश्चन की अबूजा वॉट इज द रेश ऑफ सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन एंड द स्टार एक्स तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करा गया है यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करा गया ना दोनों एक ही कॉन्सेप्ट में टेम्परेचर ही तो गुजरे हाँ ठीक है बीन से डिस्प्लेसमेंट लो ही लगेगा बस तो कुछ नहीं कर लो भाई ना तो लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी तो लेमडा ऑफ सन बाय लेमडा ऑफ अनादर स्टार है ना अनादर स्टार को बोल देते हैं है ना एक्स बोल देते हैं अनादर स्टार को बाय टेम्परेचर ऑफ स्टार एक्स बाय टेम्परेचर ऑफ सन तो लेमडा ऑफ सन इज 510 एंड लेमडा अनदर स्टार इज थ्री फिफ्टी टेम्परेचर ऑफ स्टार टेम्परेचर ऑफ सन इज वाट इज़ द रेशो ऑफ द सरफेस टेम्परेचर ऑफ़ द सन एंड दस अच्छा इन्होंने रेशो ही पूछा है तो टी एस बाई टी एक्स तुम्हारा हो जाएगा थर्टी फाइव बाई फिफ्टी वन तो थर्टी फाइव बाई फिफ्टी वन देख लो कितना आएगा तुम्हारा वन से तो कमी आएगा और पॉइंट uh, फाइव से ज़्यादा आएगा है ना क्योंकि पॉइंट फाइव से तो ज़्यादा है तो पॉइंट सिक्स एट हो जाएगा क्लियर दिख रहा है पॉइंट से ज्यादा है सो पॉइंट सिक्स एट कलर ऑफ द स्टार डिपेंड्स अपॉन द ल्यूमिनेसिटी ब्राइटनेस टेम्परेचर बताओ तो देखो वैसे जो कलर होता है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है हमने देख लिया डिस्प्लेसमेंट है वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर तो जो स्टार का टेम्परेचर है वो बताता है कि किस वेवलेंथ की मतलब मैक्सिमम लाइट किस वेवलेंथ की निकलेगी और जिस वेवलेंथ की मैक्सिमम लाइट निकलेगी वही वेवलेंथ कलर को डिसाइड करेगी सो द आंसर इज टेम्परेचर करो भाई ब्लू स्टार इज एट हाई टेम्परेचर देन रेड स्टार बताओ क्या बात सही है अगर कोई स्टार मुझे ब्लू दिखाई दे रहा है रेड के केंचर में तो क्या वो हाई टेम्परेचर पे विन्स डिप्लेसमेंट लॉ स्टेट टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो टू लेमडा बताओ तो देखो भाई वेवलेंथ की बात करें तो हमें पता है ब्लू कलर की वेवलेंथ हमारी रेड से कम है तो टेम्परेचर ब्लू वाले स्टार का रेड वाले से ज्यादा होगा क्योंकि इनवर्स रिलेशन है सो ब्लू स्टार इज एट हाई देन रेड स्टार सही है और रीजन भी सही है एक्सप्लेनेशन भी सही है ना असर इज राइट रीजन इज राइट एंड इट इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन सो द आंसर इज ए फॉर हायर टेम्परेचर दी कमीशन ब्लैक बॉडी एमिशन वेवलेंथ ऑफ द ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर है बोल रहे इमिशन वेबलेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द तो देखो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है पर ये वाला गलत है इमिशन वेबलैंथ प्रोपोर्शनल नहीं होती पावर प्रोपोर्शनल होती है फोर्थ पावर स्टेफन से लोगों को वींस के साथ मिलाने की कोशिश करी है इन्होंने तो ये स्टेटमेंट गलत है वेबलैंथ इज नॉट प्रपोर्शनल टू टी पावर फोर पार इज प्रपोर्शनल टू टी पावर फोर इमिटेड पार सो सी करो ये तो बिल्कुल आसान है ए बॉडी इज ए गुड रेडिएटर क्रिच लॉ पे एक क्वेश्चन है ना क्रिच लॉ बोलता है एब्जॉर्प्टिविटी इज इक्वल टू इमेसिविटी गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर्स या फिर वो बोलता है किसी भी बॉडी की इमिसिविटी ऑफ ए बॉडी डिवाइडेड बाई इट्स एब्जॉर्प्टिविटी इज इक्वल टू इमेसिविटी ऑफ ए ब्लैक बॉडी डिवाइडेड बाय इट्स एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी और ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्प्टिविटी वन होती है ब्लैक बॉडी की इमिसिविटी और एब्जॉर्टिविटी दोनों वन होती है तो किसी भी बॉडी की इमिसिविटी और एब्जॉर्टिविटी का रेशो ब्लैक बॉडी की इमिसिविटी के बराबर होगा ना ये स्टेटन स्लो क्रिचऑफ स्लो का स्टेटमेंट है ए बॉडी दैट इज अ गुड रेडिएटर इज ऑल्सो गुड इमिटर ऑफ रेडिएशन एट ए गिवन वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू क्रिचऑअ द एब्जॉर्प्शन ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू एब्जॉर्टिविटी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू इट्स इमेसिविटी एट ए गिवन वेवलेंथ तो दोनों स्टेटमेंट सही है आंसर इज ए बिल्कुल क्रिचऑफ स्लो यही बोलता है ए इज इक्वल टू ई एग्जैक्टली यही बोलता है क्रिच लॉ ठीक है तो आई थिंक मैं अपन ने सारे क्वेश्चन कर लिए है ना ठीक है है ना ठीक है तो देख लो है ना तो इसी के साथ ये सेशन अपन खत्म कर रहे हैं इसके अलावा मैं और भी सेशन लूंगा बाकी जो बच्चे प्रॉपर चाहते हैं क्रैश कोर्स करना है ना प्रॉपर जिसमें रोज़ दो घंटे तुम्हारी थेरी क्लास हो है ना और उसी बैच में पढ़ना चाहते हो जिसमें से पिछले साल चार स्टूडेंट्स वन एटी ऑट टू वन एटी लेके आए जिस बैच में से ऑल इंडिया फोर्टी टू रैंक आई है लास्ट ईयर है ना फोर्टी फाइव स्टूडेंट्स वन सिक्सटी प्लस मार्क्स लेके आए फिजिक्स में तो तुम इसको ज्वाइन कर सकते हो मैं इसमें तुम्हें हर रोज कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा रोज दो घंटे की क्लास होगी उसके बाद डेढ़ घंटे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होगी जो आप लेंगे कोर्स की प्राइस बहुत कम रखे ना इस बार टेन थाउजेंड रुपी नहीं रखी है ताकि हर बच्चा फोर्ड कर पाए इट इज फोर नाइनटी नाइन और इस पर भी तुम्हें ट्वेंटी परसेंट ऑफ मिल जाएगा जब तुम ये वाला कोड यूज़ करोगे फिजिक्स लाइव ठीक है तो इसकी लिंक तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी मेरे नीट अंडर स्कोर फिजिक्स मैं टेलीग्राम चैनल लिख देता हूँ अपना है है ना इस पर मिल जाएगी तुम्हें लिंक नीट अंडर स्कोर फिजिक्स तो इसका ले को जाके इस कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले लो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं लिया है नाट ना, ऑफ मिल जाएगा तो मैं 399 का पड़ेगा ना। है यार, तो मिलते हैं प्लस क्लासेस में ना और बाकी क्लासेस लेता सी यू और यह तुम्हें तो पीडीएफ जो पूरा सॉल्व कराया और जो क्वेश्चन थोड़े बहुत छोटे थे भी तुम्हें टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा बाय और लाइक वगैरह कर देना वीडियो को शेयर कर देना